Today we are going to study about cardiovascular system. So let's begin. So what does the word cardiovascular means? Cardio means heart and vascular is related to blood vessels, right? It is a system which is divided for descriptive purposes into two main parts. ठीक है, ये जो cardiovascular system है, ठीक है, दो main parts में divided है. Cardio क्या मतलब होता है? Heart. अब heart का क्या काम है? Whose pumping action ensures constant circulation of the blood, ठीक है, जिसका pumping action क्या ensure करता है कि पूरी body में जो blood है वो properly circulate करता रहे. और blood vessels क्या होते हैं? Which form lengthy network through which the blood flows, ठीक है. अब जो blood vessels हैं वो क्या करते हैं? एक लंबा सारा network form करते हैं पूरी body में जिसमें से blood flow करता रहता है, ठीक. Next point है, the heart pumps blood into two anatomically separate systems of blood vessels. अब जो हमारे blood vessels हैं वो दो systems में अलग अलग divide की गई हैं, जिसमें कि हार्ट ब्लड को पंप करता है. फर्स्ट वन इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सेकंड वन इज द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, जिनको हम वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे, राइट. अब आगे देखते हैं, द राइट साइड ऑफ द हार्ट पंप्स ब्लड टू द लंग्स द पल्मोनरी सर्कुलेशन वे गैस एक्सचेंज अकर्स, ठीक है. अब जो राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ठीक है, वो कहां पे पंप करता है ब्लड? इन टू द लंग्स, राइट. उसको हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन. जो वर्ड पल्मोनरी है दैट इज रिलेटेड विद द लंग्स, राइट, जहां पे गैशियस एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है, ठीक है. ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल्स में. और जो लेफ्ट लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट का क्या फंक्शन है? इट पंप्स द ब्लड इन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन विच सप्लाइज द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है. अब जो लेफ्ट साइड वाला हार्ट है वो क्या करता है? जो ब्लड को पंप करता है, ठीक है, वो एओर्टा के थ्रू होता हुआ पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, ठीक है, और सारी बॉडी को सप्लाई करता है. हेयर टिश्यू वेस्ट आर पास्ड इनटू द ब्लड फॉर एक्सक्रीशन एंड बॉडी सेल्स एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, ठीक है. अब इस प्रोसेस के थ्रू क्या होगा? जो टिश्यू वेस्ट है, ठीक है, वो ब्लड के थ्रू एक्सक्रीटरी पर्पस के लिए पहुंच जाते हैं, ठीक है, और जो बॉडी सेल्स हैं उनमें से क्या है? न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है जब भी हार्ट ब्लड को पंप करता है, ठीक है. ये एक्शंस परफॉर्म होते हैं, ठीक है. एक तरफ वेस्ट प्रोडक्ट्स चले जाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू बाहर निकलने के लिए, और दूसरी तरफ जो ब्लड में जरूरी तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, ऑक्सीजन है, बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्लियर. अब आगे है ब्लड वेसल्स के बारे में हम पढ़ेंगे. व्हाट आर ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स वेरी इन साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शन, ठीक है. अभी जो ब्लड वेसल्स आप डायग्राम में देख रहे हो, ठीक है, ये क्या करते हैं? ये स्ट्रक्चर में भी अलग है, इनका साइज भी अलग है और सबका फंक्शन अलग अलग है. टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स देखते हैं, आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स, ठीक है. अब इनके बारे में हम वन बाय वन डिटेल्स में पढ़ेंगे. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स. दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है. अब ये जो आर्टरीज हैं इनका क्या काम होता है? ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी जो हार्ट ब्लड पंप करता है उसको हार्ट से दूर पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है? आर्टरीज लेके जाती हैं. दे वेरी कंसिडरेबली इन साइज एंड द वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स ऑफ टिश्यू. अब इनका साइज अलग अलग है और इसकी जो वॉल्स है उसमें तीन लेयर होते हैं टिश्यू के. नंबर वन इज ट्यूनिका एडवेंटिशिया और आउटर लेयर ऑफ फाइब्रस टिश्यू. आप डायग्राम में देख सकते हो जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया है, ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्ना दिया हुआ है, ये आउटर लेयर है जो कि फाइब्रस टिश्यू से बनी हुई है. सेकेंड वन इज द ट्यूनिका मीडिया और द मिडिल लेयर ऑफ द स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू. जो मिडिल वाली लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया और वो स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू के साथ बनी हुई. एंड इनर वन इज ट्यूनिका इंटीमा और इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वेमस एपिथीलियम कॉल्ड एंडोथीलियम, ठीक है. जो सबसे अंदर वाली है उसको हम बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, और वो स्क्वेमस एपिथीलियम से बनी हुई जिसको हम एंडोथीलियम बोलते हैं. हमने ये जो टिश्यूज हैं एक्सप्लेन किया हुआ है इनको टिश्यूज वाली वीडियो में, काइंडली आप जाके एक बार देख लेना. आगे है द अमाउंट ऑफ मस्कुलर एंड इलास्टिक टिश्यू वेरीज इन द आर्टरीज डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड फंक्शंस, ठीक है. अब जो अमाउंट ऑफ मस्कुलर टिश्यू है आर्टरी में और जो इलास्टिक टिश्यू है, ठीक है, वो अलग अलग है, डिपेंड करता है आर्टरी के साइज और फंक्शन पे. उस हिसाब से उतना उतना इलास्टिक टिश्यू मस्कुलर टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर. इन लार्ज आर्टरीज यानी कि इलास्टिक आर्टरीज द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑफ मोर इलास्टिक टिश्यू एंड लेस स्मूथ मसल्स अलाउइंग द वेसल टू स्ट्रेच एब्सॉर्बिंग द प्रेशर वेव जनरेटेड बाय द हार्ट एज इट बीट्स, ठीक है. अब जो लार्ज आर्टरीज है जिनको हम इलास्टिक आर्टरीज भी बोलते हैं, ठीक है, जो उसका ट्यूनिका मीडिया है यानी कि मिडिल वाली लेयर है वो ज्यादा इलास्टिक होती है, उसमें इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होता है और जो स्मूथ मसल होता है वो कम होता है, ठीक है. इससे क्या होता है? इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो जो वेसल वॉल है उसको इजिली स्ट्रेच होने का मौका दिया जाता है, ठीक है. और क्या है? जो वेव है जो जनरेट करता है हार्ट पंप करके, जो हार्ट बीट जनरेट करता है उसका जो प्रेशर होता है, ठीक है, वो ये वाली लेयर है जो ट्यूनिका मीडिया वाली, इलास्टिसिटी ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है? वो
एब्जॉर्ब कर पाती है. ठीक है, दीज प्रोपोर्शंस ग्रेजुअली चेंज एज द आर्टरीज ब्रांच मेनी टाइम्स एंड बिकम स्मॉलर अंटिल इन द आर्टीरियोल्स द स्मॉलर आर्टरीज द ट्यूनिका मीडिया कंसिस्ट ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ स्मूथ मसल एनेबलिंग टू कंट्रोल देयर डायमीटर विच रेगुलेट्स द प्रेशर विद इन देम. ठीक है, अब ये जो प्रोपोर्शन है पहले वाले में क्या पढ़ा था हमने, लार्ज आर्टरीज में क्या है, इलास्टिक टिश्यू ज्यादा है और स्मूथ मसल कम है. ठीक है, बट आगे क्या होता है जब ये आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में टूटती हैं जिनको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं. आर्टीरियोल्स क्या होता है, जब ये आर्टरीज छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती हैं स्मॉलर आर्टरीज को फॉर्म करती हैं उनको हम आर्टीरियोल्स बोलते हैं. और इनका जो ट्यूनिका मीडिया होता है मिडल वाली लेयर होती है उसमें क्या होता है, सारे के सारा स्मूथ मसल से बनी होती है, इलास्टिक टिश्यू नहीं होता है. ठीक है, ये स्मूथ मसल की क्या प्रॉपर्टी है, वो कंट्रोल करता है जो प्रेशर उसके अंदर होता है उसको कंट्रोल करता है. ठीक है, ब्लड का जो प्रेशर होता है उसे कंट्रोल करता है कौन, स्मूथ मसल इनसाइड द ट्यूनिका मीडिया. राइट, सिस्टमिक ब्लड प्रेशर इज मेनली डिटर्मिंड बाय द रेजिस्टेंस दीज टाइनी आर्टरीज ऑफर टू ब्लड फ्लो एंड फॉर दिस रीजन दे आर कॉल्ड रेजिस्टेंस वेसल. ठीक है, अब जो हमारा सिस्टमिक ब्लड प्रेशर है, जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है, ठीक है, वो कैसे हम डिटर्मिन करते हैं, कैसे असेस करते हैं, जो रेजिस्टेंस, जो छोटी छोटी आर्टरीज हैं, ठीक है, ये ऑफर करती हैं ब्लड फ्लो को, यानी कि कितना ब्लड फ्लो होना चाहिए आर्टरीज के थ्रू. ठीक है, और कितना रिजिस्ट होना चाहिए मींस उसकी जो स्पीड है उसको प्रॉपरली मेंटेन करती है. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं, कि ब्लड एकदम से प्रेशर से ना आए, धीमे तरीके से आए. ठीक है, रेजिस्टेंस है उन पे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं. आर्टरीज हैव थिकर वॉल्स दैन वेन्स टू विदस्टैंड द हाई प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड. और जो आर्टरीज है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो वेन्स से थिक होती है, वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है. ठीक है, क्योंकि आर्टरीज में एक क्वालिटी होती है वो हाई प्रेशर ऑफ आर्टीरियल ब्लड, जो उसमें से ब्लड गुजर रहा होता है उसको आर्टीरियल ब्लड बोलते हैं, उसको एंड्योर कर सके. राइट, आगे है एनास्टमोसिस. व्हाट इज एनास्टमोसिस, दीज आर द आर्टरीज दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन मेन आर्टरीज सप्लाइंग एन एरिया. अब ये जो एनास्टमोसिस है ये क्या होता है, ये आर्टरीज होती हैं जो कि दूसरी आर्टरीज के साथ जो कि उस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई कर रही होती है उनके साथ लिंक फॉर्म कर लेती है, उनको हम एनास्टमोसिस बोलते हैं. For example, the arterial supply to the palms of hand and soles of the feet, the brain, the joints and to a limited extent the heart muscle. ठीक है, अब क्या है, जो आर्म से निकल के आर्टरीज आगे फिंगर्स वगैरह में पाम्स ऑफ द हैंड में फैल जाती हैं. ठीक है, यानी कि मेन आर्टरी से टूट के आगे दूसरी आर्टरी के साथ हो जाके कनेक्शन बना लेती हैं. उसी तरह ही सिमिलरली सोल ऑफ द फीट, ब्रेन में कितनी सारी आर्टरीज हैं, जॉइंट्स में है, टू अ लिमिटेड एक्सटेंट द हार्ट मसल. ठीक है, ये सारी आर्टरीज जब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाती है उनको सप्लाई करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, एनास्टमोसिस बोलते हैं. इफ वन आर्टरी सप्लाइंग द एरिया इज ऑक्लूडेड, एनास्टमोटिक आर्टरीज प्रोवाइड अ कोलेटरल सर्कुलेशन. राइट, अगर एक आर्टरी जो है अगर वो खराब हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल आर्म से जो आर्टरी सप्लाई कर रही है हैंड्स की तरफ पाम्स पे, ठीक है, एक आर्टरी खराब भी हो गई तो इससे क्या होगा, ये जो एनास्टमोसिस फॉर्म हुआ है कि जो सप्लाइंग आर्टरीज है वो मेन आर्टरीज के साथ जुड़ चुकी हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो दूसरी आर्टरीज है वो उस एरिया को भी सप्लाई करेंगी, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन. राइट, इसमें क्या होता है, अगर एक आर्टरी डैमेज हो भी जाती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाम्स ऑफ द हैंड की बात करते हैं, ठीक है, पाम की अगर कोई भी आर्टरीज डैमेज हो चुकी है, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो एनास्टमोसिस फॉर्म हुआ हुआ है जो पाम की आर्टरीज ने आर्म की आर्टरी के साथ जो कनेक्शन बनाया हुआ है उस वजह से क्या होगा, वो पर्टिकुलर आर्टरी जो डैमेज हो चुकी है वहां पे भी सप्लाई होगी, उसको हम बोलते हैं कोलेटरल सर्कुलेशन, की वहां प्रेजेंट और आर्टरीज उस पर्टिकुलर एरिया को सप्लाई करेंगी. ठीक, आगे है डायग्राम में आप देख सकते हो एंड आर्टरीज और एनास्टमोसिस आर्टरीज में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एंड आर्टरीज के बारे में. दीज आर द आर्टरीज विथ नो एनास्टमोसिस, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल आर्टरी टू द रेटिना ऑफ द आई. व्हेन एन एंड आर्टरी इज ऑक्लूडेड द टिश्यू इट सप्लाइज डाई बिकॉज देर इज नो ऑल्टरनेटिव ब्लड सप्लाई. राइट, एंड आर्टरीज किसको बोलते हैं, जो एंड आर्टरीज है उनके पास एनास्टमोसिस नहीं होता है क्योंकि उनकी आर्टरीज ने दूसरी आर्टरीज के साथ कनेक्शन नहीं बनाया होता है इन आर्टरीज ने. जैसे फॉर एग्जाम्पल रेटिना ऑफ द आई, अगर रेटिना ऑफ द आई में ये जो सेंट्रल आर्टरी है ये डैमेज हो जाती है तो कोई अल्टरनेटिव आर्टरी नहीं है इसको सप्लाई करने के लिए. ठीक है, ओनली वन आर्टरी इज सप्लाइंग, तो ये जो टिश्यू होगा यहाँ पे वो कम्प्लीटली डैमेज हो जाएगा बिकॉज कोई अल्टरनेटिव आर्टरी नहीं है उसको सप्लाई करने के लिए. राइट, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स. लेट्स स्टडी अबाउट कैपिलरीज फर्स्ट.
द स्मॉलेस्ट आर्टीरियोल्स ब्रेकअप इंटू अ नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज. ठीक है, अब हमने पढ़ा है कि जो आर्टरीज है जब वो छोटी छोटी ब्रांचेस में टूट जाती है उनको आर्टीरियोल्स बोलते हैं. अब ये जो आर्टीरियोल्स हैं आगे ये फर्दर छोटे छोटे माइन्यूट वेसल्स में जब टूटते हैं इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज. ठीक है, अब कैपिलरी वॉल कंसिस्ट ऑफ सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स सिटिंग ऑन अ वेरी थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन थ्रू विच वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स कैन पास. ठीक, कैपिलरी वॉल्स होती हैं, इनमें क्या होता है सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स होते हैं. ठीक है, और बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है इनकी, बेसमेंट मेम्ब्रेन बहुत थिन होती है. ठीक है, थ्रू विच द वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स कैन पास इजिली, इनके जो है आर पार वाटर मॉलिक्यूल्स जो है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो इजिली पास हो सकते हैं. ठीक, ब्लड सेल्स एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्लाज्मा एंड प्रोटीन्स डू नॉट नॉर्मली पास थ्रू द कैपिलरी वॉल्स. ठीक है, ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ब्लड सेल्स होते हैं ये नहीं इजिली पास कर सकते. द कैपिलरीज फॉर्म अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स दैट लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टेरियल्स टू द स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स. ठीक, अब ये जो कैपिलरीज हैं ये लार्ज नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स फॉर्म करती हैं, क्योंकि ये देखो आर्टेरियल्स से भी आगे छोटी छोटी ब्रांचेस और हैं. ठीक है, जो लिंक करती हैं स्मॉलेस्ट आर्टेरियल्स टू स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स. ठीक है, जो आर्टरीज का छोटा सा पार्ट है दैट इज कॉल्ड आर्टेरियोल्स. ठीक है, जो आगे फर्दर ब्रेक डाउन हुई हुई आर्टरीज ने ब्रांचेस बनाई हुई इसको हम आर्टेरियोल्स बोलते हैं. ठीक है, जो कैपिलरीज हैं ये क्या कनेक्ट करती हैं, उन आर्टेरियोल्स को स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स के साथ कनेक्ट करती हैं. ठीक है, वेन्यूल्स क्या है, जो वेन जब टूट के आगे छोटी छोटी ब्रांचेस में फैलती है लाइक जैसे आर्टरीज आर्टेरियोल्स में बटी. ठीक है, अब ये जो वेन्स है आगे फर्दर ब्रांचेस में जब बटेंगी उनको हम बोलेंगे वेन्यूल्स. ठीक है, और इनके बीच में जो भी कनेक्शन बनाता है आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के बीच में उसको हम बोलते हैं कैपिलरीज. राइट, आगे आप देख सकते हैं कैपिलरी में और साइनोसॉइड में क्या डिफरेंस है. बेसमेंट मेम्ब्रेन देखो कैपिलरी के डायग्राम ने प्रॉपर बना हुआ है, एंडोथेलियल लेयर जो है इंटैक्ट है. ठीक है, उस दूसरी तरफ आप देख सकते हो साइनोसॉइड में बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इनकम्प्लीट है एंड जो एंडोथेलियल लेयर है ठीक है इनमें इंटरसेलुलर गैप्स हैं. ठीक है, इससे क्या होगा, जो ये मेम्ब्रेन है इसके आर पार जो मॉलिक्यूल्स हैं ठीक है वो इजिली क्रॉस कर सकते हैं. ठीक, आगे देखते हैं हम साइनोसॉइड्स के बारे में. दीज आर द कैपिलरीज दैट आर मच वाइडर एंड लीकियर दैन द नॉर्मल. ठीक है, ये वो कैपिलरीज हैं जो ज्यादा बड़ी हैं और लीकियर है, इनमें से कोई भी चीज इजिली बाहर आ सकती है ठीक है दैन नॉर्मल. ठीक है, एज देयर वॉल्स आर इनकम्प्लीट, हमने डायग्राम में देखा है कि उनकी जो वॉल्स है इनकम्प्लीट है एंड द ल्यूमन इज लार्जर, जो उनका डायमीटर है ल्यूमन का वो लार्जर है दैन यूजुअल. द ब्लड फ्लोज थ्रू देम मोर स्लोली अंडर द लेस प्रेशर एंड कम डायरेक्टली इन टू कॉन्टैक्ट विद द सेल्स आउटसाइड द साइनोसॉइड वॉल. ठीक है, क्या है इसमें कि इसकी वॉल इनकम्प्लीट होने की वजह से और ल्यूमन लार्जर होने की वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो इसके थ्रू होगा वो स्लोली होगा. ठीक है, लेस प्रेशर के साथ होगा मतलब इजिली हो पाएगा. ठीक है, एंड कैन कम डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विद द सेल आउटसाइड द साइनोसॉइड वॉल, और इनको इजी है आना जाना और सेल्स के साथ कॉन्टैक्ट करना. ठीक है, जो साइनोसॉइड वॉल के इर्द गिर्द पड़े हैं. ठीक, दिस अलाउज मच फास्टर एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू. ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, हमने देखा है पीछे डायग्राम ने कि जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस हैं, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो इनकम्प्लीट है और इंटरसेलुलर गैप्स हमने पीछे पढ़ा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो है ब्लड के थ्रू वो बहुत फास्ट होगा. ठीक है, गोइंग टू टॉक अबाउट वेन्स एंड वेन्यूल्स. वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू द हार्ट. दे हैव द सेम थ्री लेयर्स ऑफ द टिश्यू. द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर दैन दोज ऑफ आर्टरीज बिकॉज देर इज लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यू इन द ट्यूनिका मीडिया बिकॉज वेन्स कैरी ब्लड एट अ लोअर प्रेशर देन आर्टरीज. ठीक है, ठीक है, अभी जो वेन्स हैं ये एक टाइप की ब्लड वेसल्स हैं जो कि हार्ट को दोबारा से ब्लड रिटर्न करती हैं बट बहुत ही कम प्रेशर पे. ठीक है, उनकी भी सेम टिश्यूज की लेयर हैं जैसे कि आर्टरीज में थी, और जो वेन्स की वॉल है वो आर्टरीज से पतली है क्योंकि उसमें कम मसल है और कम इलास्टिक टिश्यू है इन द मिडल लेयर जिसका नाम ट्यूनिका मीडिया है. ठीक है, ये इसीलिए कम कम है क्योंकि जो वेन्स हैं वो लो प्रेशर पे ब्लड को कैरी करती हैं और आर्टरीज हाई ब्लड प्रेशर को भी झेलती हैं. ठीक, आगे है व्हेन कट द वेन्स कोलैप्स व्हाइल द थिकर वॉल्ड आर्टरीज रिमेन ओपन. ठीक है, अगर इनको कट किया जाए तो वेन्स जो है कोलैप्स हो जाएंगी जबकि आर्टरीज हमें ओपन मिलेंगी, देखने को मिलेंगी कि वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, आगे क्या दिखेगा, व्हेन एन आर्टरी इज कट ब्लड स्पर्ट्स एट हाई प्रेशर व्हाइल अ स्लोअर स्टेडी फ्लो ऑफ ब्लड एस्केप्स फ्रॉम अ वेन. ठीक है, जब भी हम आर्टरी को कट करेंगे तो एक स्पर्ट मिलेगा, एक अचानक सब क्या कह सकते हैं फ्लो मिलेगा. ठीक है, उस आर्टरी के थ्रू ब्लड बिल्कुल छपाक करके मतलब बाहर आएगा. ठीक है, हाई प्रेशर के साथ, जबकि वेन को कट करेंगे तो स्लोली ड्रूल करता हुआ ब्लड जो है
ठीक है, हमको एस्केप होता दिखेगा. ठीक, पोजेसेस वॉल्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इंश्योरिंग दैट इट फ्लोज टूवर्ड्स द हार्ट. ठीक है, अब कुछ वेन्स हैं, ठीक है, उनमें वॉल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, बैक फ्लो को प्रिवेंट करती हैं, ब्लड जो है एक ही डायरेक्शन में जाता रहे और पीछे की तरफ ना आए, ठीक है, और हार्ट की तरफ ही जाता रहे, ये इंश्योर करते हैं कौन, वॉल्स. ठीक है, दे आर फॉर्म बाय अ फोल्ड ऑफ ट्यूनिका इंटीमा एंड स्ट्रेंथन्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू. अब ये जो वॉल्स हैं ये कैसे बने होते हैं, ट्यूनिका इंटीमा सबसे अंदर वाली लेयर के साथ ये बनी होते हैं वॉल्स, ठीक है, और इनको कनेक्टिव टिश्यू ने सपोर्ट किया होता है. ठीक है, अब आगे वॉल्स जो हैं दैट आर अबंडेंट इन द वेन्स ऑफ द लिम्स एस्पेशली द लोअर लिम्स वेयर ब्लड मस्ट ट्रैवल अ कंसिडरेबल डिस्टेंस अगेंस्ट ग्रेविटी वेन द इंडिविजुअल इज स्टैंडिंग. एबसेंट इन वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज वेन इन द थोरैक्स एंड द एब्डोमेन. ठीक है, अब ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं कहाँ पे, अपर एंड लोअर लिम्स में. ठीक है, स्पेशली लोअर लिम्स में ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ह्यूमन बॉडी जो है जब वो स्टैंडिंग पोजिशन में है तो ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड है वो नीचे की तरफ ना आए. ठीक है, तो ये जो वॉल्स हैं उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, और जो ब्लड है उसको हार्ट की तरफ ऊपर की तरफ ट्रेवल करवाते हैं. ठीक है, आगे ये जो वॉल्स हैं ये बहुत छोटी छोटी वेन्स में, ठीक है, और बहुत लार्ज वेन्स में एब्सेंट होती हैं, जैसे कि थोरैक्स की वेन्स में और एब्डोमिनल वेन्स जो होती हैं उसमें. ठीक, आगे आप देख सकते हो वॉल्स ओपन एंड वॉल्स क्लोज डायग्राम में, असिस्टेड इन मेंटेनिंग वन वे फ्लो बाय स्केलेटल मसल्स सराउंडिंग द वेन्स. ठीक है, अब क्या है, ये जो वॉल्स होते हैं इनको असिस्ट कौन करता है, स्केलेटल मसल्स, ताकि वो वन वे फ्लो को ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड को मेंटेन कर सके. ठीक, आगे बात करते हैं हम वेन्यूल्स की, द स्मॉलेस्ट वेन्स आर कॉल्ड वेन्यूल्स. ठीक है, जो सबसे छोटी छोटी वेन्स के आगे जो ब्रांचेस बनी हुई डायग्राम में आप देख सकते हो उनको हम बोलते हैं वेन्यूल्स. दे आर कॉल्ड कैपिस्टेंस वेसल्स बिकॉज दे आर डिस्टेंसिबल. ठीक है, इसको को कैपिस्टेंस वेसल्स बोलते हैं. कैपिस्टेंस मीन्स इनके पास कैपेसिटी होती है, ठीक है, डिस्टेंड करने की वजह. दे हैव द कैपेसिटी टू होल्ड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी ब्लड. ठीक है, इसके पास पावर होती है कि जो बॉडी का ज्यादा से ज्यादा ब्लड है उसके प्रोपोर्शन को होल्ड कर सके. एट एनी टाइम अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडीज ब्लड इज इन द वीनस सिस्टम. ठीक है, एक बार क्या होता है, 2/3 ऑफ द ब्लड जो है बॉडी में वो वीनस सिस्टम में सबसे ज्यादा पाया जाता है. दिस अलाउज द वैस्कुलर सिस्टम. अब ये जो वैस्कुलर सिस्टम को क्या क्या अलाउ करता है, टू एब्जॉर्ब सडन चेंजेस इन ब्लड वॉल्यूम सच एज इन हेमरेज. ठीक है, द वेन्स कैन रिकॉइल हेल्पिंग टू प्रिवेंट अ सडन फॉल इन ब्लड प्रेशर. ठीक है, अब वेन्स क्या करते हैं, रिकॉइल हो सकते हैं. ठीक है, ये इसकी रिकॉइल प्रॉपर्टी क्या हेल्प करती है, प्रिवेंट करती है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसमें अचानक से गिरावट ना आए. ठीक, आगे हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में. हार्ट क्या है, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन विच पम्प्स द ब्लड थ्रू ब्लड वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हार्ट एक ऐसा मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पंप करता है ब्लड को ब्लड वेसल्स के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में पूरा. ठीक है, इसकी शेप कैसी है, हार्ट इज अ रफली कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन. ठीक है, ये कोन शेप्ड हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, इसका साइज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है. ठीक है, और ये तकरीबन जो ओनर है उसकी फिस्ट के बराबर होता है. इसका वेट क्या है, विमेन में 225 ग्राम्स है एंड इन मेल इट इज 310 ग्राम्स. ठीक, आगे इसकी पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं. द हार्ट लाइज इन द थोरैसिक कैविटी इन द मीडियास्टेनम द स्पेस बिटवीन द लंग्स. ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, थोरैसिक कैविटी में है, मीडियास्टेनम में है. ठीक है, मीडियास्टेनम कौन सी जगह है, जो स्पेस है बिटवीन द लंग्स, बिल्कुल सेंटर में ये लोकेटेड है. इट लाइज ओब्लीकली अ लिटिल मोर टू द लेफ्ट दैन द राइट. ठीक है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा हुआ है, ओब्लीक पोजिशन में है. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा इसका जो झुकाव है वो लेफ्ट की तरफ है. ठीक है, अब प्रेजेंट एज अ बेस अबव एंड अ एपेक्स बिलो. ठीक है, जो इसका बेस है ऊपर वाले पार्ट के हार्ट को हम बेस बोलते हैं और एपेक्स नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं. ठीक है, कोनिकल पार्ट को हम एपेक्स बोलते हैं. द एपेक्स इज अबाउट 9 सेंटीमीटर टू लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन एट द लेवल ऑफ 5th इंटरकोस्टल स्पेस दैट इज अ लिटिल बिलो द निप्पल एंड स्लाइटली नियर द मिड लाइन. ठीक है, एपेक्स है ये अबाउट 9 सेंटीमीटर का है और ये जो मिड लाइन है, ठीक है, हमारे चेस्ट की, उससे थोड़ा लेफ्ट की तरफ टिल्टेड है, 5th इंटरकोस्टल स्पेस के पास है. ठीक है, यानी कि बिलो द निप्पल, ये स्पेस कहाँ पे है, बिलो द निप्पल एंड स्लाइटली नियरर द मिड लाइन, जो चेस्ट की मिड लाइन है उसके पास और थोड़ा सा निप्पल से नीचे जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस है, जो एपेक्स है ये यहां तक आता है. द बेस एक्सटेंड्स टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब, जो हमारी सेकेंड रिब है
जो ऊपर वाला पार्ट है हार्ट का, बेस बोलते हैं उसको, ये वहां तक है, सेकेंड रिब के पास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ हार्ट। इंफीरियरली नीचे की बात करें कि हार्ट के नीचे क्या है, द एपेक्स रेस्ट ऑन द सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम। ठीक है, हार्ट के नीचे की तरफ कौन है, डायफ्राम है। सुपीरियरली हार्ट के ऊपर की तरफ कौन है, द ग्रेट ब्लड वेसल्स, कौन सी, एओर्टा, सुपीरियर वीना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, और पोस्टीरियरली पीछे की तरफ हार्ट के कौन है, ईसोफेगस है, ट्रेकिया है, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस है, डिसेंडिंग एओर्टा है, इन्फीरियर वीना केवा है, थोरासिक वर्टिब्रे है। ठीक, एंटीरियरली हार्ट के सामने की तरफ कौन है, स्टर्नम है, रिब्स है एंड इंटरकोस्टल मसल्स है। लेटरली हार्ट के साइड्स पे कौन है, लंग्स है। क्लियर, आगे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। अब जो हार्ट वॉल है, ठीक है, वो थ्री लेयर्स के साथ बना हुआ है। कौन सी थ्री लेयर्स हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। आप डायग्राम में देख सकते हो पेरिकार्डियम कहाँ है, मायोकार्डियम कहाँ है और एंडोकार्डियम कहाँ है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम पेरिकार्डियम की। दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इज मेड अप ऑफ टू सैक्स। ठीक है, सबसे बाहर वाली जो लेयर है दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम लेयर, और इसके दो सैक्स से ये बनी हुई है। ठीक है, कौन सा, आउटर सैक एंड इनर सैक। ठीक, अब वन बाय वन पढ़ते हैं। आउटर कौन सा सैक है, दैट इज कॉल्ड फाइब्रस सैक, इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस टिश्यू। जो आउटर सैक है वो किसका बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। इट इज कॉन्टिन्यूस विथ ट्यूनिका एडवेंटिशिया ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स अबव एंड इज एडहेरेंट टू द डायफ्राम बिलो। ठीक है, अब ये जो है आउटर फाइब्रस सैक जो है ये किस चीज के साथ कॉन्टिन्यूस है, ट्यूनिका एडवेंटिशिया यानी कि आउटर लेयर ऑफ द ग्रेट ब्लड वेसल्स। ठीक है, और ये नीचे की तरफ किसके साथ चिपका हुआ है, विद द डायफ्राम बिलो। ठीक है, नीचे की तरफ से ये डायफ्राम के साथ जो लेयर है ये अटैच्ड है। इट्स इन इलास्टिक फाइब्रस नेचर प्रिवेंट्स ओवर डिस्टेंशन ऑफ द हार्ट। ठीक है, अभी जो आउटर लेयर है इसकी पेरिकार्डियम की, ये इन इलास्टिक होती है, इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के पास डिस्टेंसिबल यानी कि स्ट्रेच करने की प्रॉपर्टी कम होती है। ठीक है, जो हार्ट की ओवर डिस्टेंशन को जो प्रिवेंट करके रखता है। ठीक है, आगे बात करते हैं द आउटर लेयर ऑफ द सीरस मेम्ब्रेन, द पेराइटल पेरिकार्डियम लाइंस द फाइब्रस सैक। ठीक है, जो आउटर लेयर है सीरस मेम्ब्रेन की और पेराइटल पेरिकार्डियम है, ठीक है, लाइंस द फाइब्रस सैक। अब आगे देखते हैं इनर सैक के बारे में। इट इज अ कॉन्टिन्यूस डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन। जो इनर सैक है वो किसकी कॉन्टिन्यूएशन है, डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन की। द सीरस मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, जो सीरस मेम्ब्रेन है वो किससे बना हुआ है, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स से। ठीक है, ये एपिथेलियल सेल्स के बारे में हमने अपनी टिश्यूज वीडियो में पढ़ा हुआ है। ठीक, इट्स सीक्रेट सीरस फ्लूइड इनटू द स्पेस बिटवीन द विसरल एंड द पेराइटल लेयर्स व्हिच अलाउ स्मूथ मूवमेंट बिटवीन देम व्हेन द हार्ट बीट्स। ठीक है, अब ये जो सीरस मेम्ब्रेन की कोटिंग की वजह से क्या होगा, सीरस फ्लूइड सीक्रेट करता रहेगा स्पेस बिटवीन द विसरल एंड पेराइटल लेयर्स। ठीक है, जो अंदर वाली लेयर्स और बाहर वाली लेयर्स में क्या होगा, जो फ्रिक्शन है वो प्रिवेंट रहेगा, क्योंकि सीरस सिक्रीट होने की वजह से, ठीक है, जो मूवमेंट है जब भी दिल धड़कता है, ठीक है, स्मूथ रहती है और आपस में फ्रिक्शन नहीं होता है। द स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम इज ओनली अ पोटेंशियल स्पेस। ठीक है, जो स्पेस है बिटवीन द पेराइटल एंड विसरल पेरिकार्डियम उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोटेंशियल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं मायोकार्डियम के बारे में। What is myocardium? The myocardium is composed of specialized cardiac muscle found only in the heart. ठीक है, हमने टिश्यूज वाली वीडियो में पढ़ा हुआ है अबाउट कार्डियक मसल। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन द मायोकार्डियम ओनली। ठीक है, नॉट अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल बट इट इज राइटेड लाइक स्केलेटल मसल, राइट। अभी जो मायोकार्डियम है ये वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है, बट इसमें स्ट्राइशंस प्रेजेंट है जैसे स्केलेटल मसल में प्रेजेंट है। ठीक, ईच फाइबर यानी कि सेल हैज अ न्यूक्लियस एंड वन और मोर ब्रांचेस। ठीक है, इसमें जो फाइबर्स हैं यानी जो सेल्स प्रेजेंट हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, और एक से ज्यादा उनकी ब्रांचेस हैं। ठीक, एंड्स ऑफ द सेल्स एंड देयर ब्रांचेस आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द एंड्स एंड ब्रांचेस ऑफ एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, जो इन सेल्स के, ये जो मायोकार्डियल सेल्स हैं, ठीक है, जो इनके एंड हैं सेल्स के और इनकी जो ब्रांचेस हैं वो दूसरे एडजेसेंट सेल्स जो हैं दूसरी लेयर्स के उनके साथ बहुत ज्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एंड टू एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फाइबर्स ईच वन डज नॉट नीड टू हैव अ सेपरेट नर्व सप्लाई। ठीक है, इनके पास पास होने की वजह से क्या है, इन लेयर्स के, इनको अलग अलग नर्व सप्लाई की जरूरत नहीं है। ठीक, द शीट अरेंजमेंट ऑफ मायोकार्डियम एनेबल्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स टू कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, अभी जो शीट अरेंजमेंट है एक दूसरे के साथ एडजेसेंट अरेंजमेंट है, ठीक है, ये क्या करती है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट
करने में मदद करती है, वो कि इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कि टाइम में कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एफिशिएंट मैनर में बिल्कुल बखूबी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक, द मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट एट द एपेक्स एंड थिन्स आउट टुवर्ड्स द बेस. ठीक है, ऊपर की तरफ से जो मायोकार्डियम लेयर है वो थोड़ी थिन है और नीचे आते हुए एपेक्स की तरफ वो बहुत थिकेस्ट है. ठीक है, इट इज थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल विच हैज द ग्रेटेस्ट वर्कलोड. ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में इसकी जो लेयर है मायोकार्डियम की वो बहुत ज्यादा थिकेस्ट है क्योंकि वहां पे ज्यादा वर्कलोड है, क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसने क्या करना है, पंप करके एओर्टा में डालना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके पास वर्कलोड ज्यादा है और वहां की जो लेयर है वो बहुत ज्यादा थिकेस्ट है मायोकार्डियम की. राइट, नाउ टॉकिंग अबाउट एंडोकार्डियम, दिस लाइन्स द चैम्बर्स एंड वॉल्स ऑफ द हार्ट. ठीक है, अब जो एंडोकार्डियम है वो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो चैम्बर्स हैं फोर. ठीक है, और जो वॉल्स ऑफ द हार्ट है उनको लाइन किया हुआ है किस लेयर ने, एंडोकार्डियम ने लाइन किया हुआ है. इट इज थिन स्मूथ ग्लिसनिंग मेम्ब्रेन दैट परमिट स्मूथ ब्लड फ्लो इनसाइड द हार्ट. ठीक है, ये एक थिन लेयर है, स्मूथ सी लेयर है, चमकीली सी लेयर है. ठीक है, जो कि परमिट करती है स्मूथ ब्लड फ्लो इनसाइड द हार्ट. ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स एंड इट इज कंटिन्यूस विद द एंडोथेलियम लाइनिंग द ब्लड वेसल्स. राइट, ये किससे बनी हुई है लाइनिंग एंडोकार्डियम, फ्लैटेंड एपिथेलियल सेल्स के साथ. ठीक है, एंड इट्स कंटिन्यूस विद द एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स. जो ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियम लाइनिंग है यानी कि इनर लाइनिंग है उसके साथ ये कॉन्टिन्यूशन में है. आगे इंटीरियर ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ेंगे. इंटीरियर ऑफ द हार्ट क्या है, द हार्ट इज डिवाइडेड इन टू राइट एंड लेफ्ट साइड बाय अ सेप्टम अ पार्टीशन कंसिस्टिंग ऑफ मायोकार्डियम कवर्ड बाय एंडोकार्डियम. ठीक है, अब जो हार्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड. ठीक है, और किसकी वजह से डिवाइडेड, एक सेंटर में सेप्टम है. ठीक है, जो एक पार्टीशन है कवर्ड है एंडोकार्डियम के साथ, एंडोकार्डियम लेयर के साथ. ठीक, ईच साइड इज डिवाइडेड बाय एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इनटू द अपर एट्रियम एंड द वेंट्रिकल बिलो. ठीक है, अब जो राइट लेफ्ट के अलावा भी जो हार्ट है अप एंड डाउन पार्ट्स में भी डिवाइडेड है. ठीक है, और इनको बीच में से सेपरेट करने वाला कौन है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो कि एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में सिचुएटेड है. ठीक है, द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स आर फॉर्म्ड डबल फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम स्ट्रेंथेन्ड बाय अ लिटिल फाइब्रस टिश्यू. अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, ठीक है, ये कैसे बनते हैं, डबल फोल्ड्स ऑफ एंडोकार्डियम, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है. ठीक है, इसके डबल फोल्ड्स के साथ जो है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बनते हैं और इनको सपोर्ट कौन करता है, स्ट्रेंथन कौन करता है, फाइब्रस टिश्यू करता है. राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड हैज थ्री फ्लैप्स और कस्प. ठीक है, जो राइट साइड में है, ठीक है, वो राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं. लेफ्ट साइड पे है एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, उसको हम मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं, जिसमें कि टू कस्प हैं. ठीक, फ्लो ऑफ ब्लड इन हार्ट इज वन वे. ठीक है, अब जो फ्लो ऑफ ब्लड है हार्ट में वो वन वे है. ब्लड एंटर्स द हार्ट वाया एट्रिया एंड पासिस इन टू द वेंट्रिकल बिलो. ठीक है, अब जो ब्लड है हार्ट में एंटर कैसे करता है, एट्रियम के थ्रू और फिर ये वेंट्रिकल्स में पास होता है. वन वे फ्लो है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो है. राइट, द वॉल्स बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द प्रेशर इन द चेम्बर्स. ठीक है, ठीक है, अब ये जो वॉल्स ओपन और क्लोज होते हैं, ठीक है, ये कैसे होते हैं, जो प्रेशर है इनमें, ये जो चारों चैम्बर्स में जो प्रेशर है वो इनको ओपन भी करवाते हैं और इनको क्लोज भी करवाते हैं. दे ओपन व्हेन द प्रेशर इन द एट्रिया इज ग्रेटर दैन द वेंट्रिकल्स. जब एट्रियम में ब्लड ज्यादा हो जाता है, प्रेशर डालता है, तो नीचे की तरफ क्या है, एवी वॉल्व जो है, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व जो है वो ओपन कर जाता है और डायग्राम में देखो ब्लड जो है वो नीचे की तरफ फ्लो करने लग जाता है और जैसे ऊपर से प्रेशर रिलीव होता है तो ये जो वॉल्व्स हैं ये बंद हो जाते हैं. ठीक है, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब वेंट्रिकुलर सिस्टोल किसको बोलते हैं, जब वेंट्रिकल्स इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, द वॉल स्नैप शट प्रिवेंटिंग द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, अब जब वेंट्रिकल्स ने इकट्ठे होकर कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये जो वॉल्व है, ठीक है, ये क्लोज कर जाएंगे एवी वॉल्व. ठीक है, ताकि जो बैक फ्लो ऑफ द ब्लड है उसको प्रिवेंट किया जा सके. द वॉल्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम ओपनिंग अपवर्ड्स इनटू द एट्रिया बाय टेंडिनस कॉर्ड्स कॉल्ड कॉर्डे टेंडिने. अ लिटिल प्रोजेक्शंस ऑफ मायोकार्डियम इनटू द वेंट्रिकल्स कवर्ड विद एंडोथेलियम कॉल्ड पैपिलरी मसल्स. ठीक है, कि अब ये जो वॉल्स हैं, ठीक है, ये जनरली नीचे की तरफ ओपन होते हैं, एवी वॉल्स नीचे की तरफ ओपन होते हैं वेंट्रिकल्स की तरफ. ठीक है, इसको ऊपर की तरफ ओपन होने से कौन बचाता है, छोटे छोटे कॉर्ड्स है दैट आर कॉल्ड टेंडिनस कॉर्ड्स, जिनका नाम है कॉर्डे टेंडिने. ठीक है, जो कॉर्डे टेंडिने आप डायग्राम में देख सकते हो, छोटी छोटी प्रोजेक्शंस है मायोकार्डियम लेयर की. ठीक है, वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट है ये. ठीक है, और ये एंडोथीलियम के साथ कवर्ड है. ठीक है, जिसका नाम है पैपिलरी मसल. ठीक, डायग्राम में आप इजीली देख सकते हो. ठीक, ब्लड फ्लो
थ्रू द हार्ट, ठीक है। ब्लड कैसे फ्लो करता है पूरे हार्ट में, इसको हम पढ़ेंगे डिटेल्स में। बॉडी में दो लार्जेस्ट वेन्स हैं जो हार्ट के पास हैं, दैट इज कॉल्ड सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा। ऊपर वाला जो ये जो वेन है, ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सुपीरियर वीना केवा और इसके नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर वीना केवा। एम्प्टी देयर कॉन्टेंट्स इन टू द राइट एट्रियम, ठीक है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं दोनों ऊपर से और नीचे से, ये कहाँ पे आके एम्प्टी करती हैं, राइट एट्रियम में। आप डायग्राम में देखो, ठीक। दिस ब्लड पासिस वायर राइट एट्रियो वेंट्रिक्यूलर वॉल्व इन टू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब क्या होगा, राइट एट्रियम में ब्लड का प्रेशर बढ़ चुका है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है यानी कि राइट साइड का एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व है, अब ये ओपन होगा और सारे ब्लड को कहाँ अलाउ करेगा आने के लिए, राइट वेंट्रिकल में नीचे की तरफ, क्लियर। अब क्या होगा, फ्रॉम देयर इट इज पम्प्ड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी और ट्रंक, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, जो ब्लड है, ठीक है, वो डायरेक्टली पल्मोनरी ट्रंक में यानी कि जो आर्टरी है वहां पे फ्लो करेगा, ठीक है। ये ओनली आर्टरी है पूरी बॉडी में जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, अदरवाइज जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं वो सिर्फ वेन्स होती हैं, ठीक है। ये जो हार्ट की आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर या फिर ट्रंक के अंदर एंटर कर चुका है, यहां से ओपनिंग ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय द पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है, फॉर्म बाय ट्राई सेमिल्यूनर कस्ट्स, ठीक है। अब पल्मोनरी आर्टरी में गया कैसे ब्लड, यहाँ पे जो वॉल्स है पल्मोनरी आर्टरी के पास, ठीक है, वो ओपन होंगे, ब्लड को अंदर अलाउ करेंगे जाना, ठीक है। दिस वॉल प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल व्हेन द वेंट्रिकुलर मसल रिलैक्सेस, ठीक है। ये वॉल क्या है, एक बार जब ब्लड अंदर चला गया तो ये बंद हो जाएगा ताकि इसका बैक फ्लो जो है फिर से वेंट्रिकल्स में प्रिवेंट किया जा सके, ठीक है। आफ्टर लीविंग द हार्ट द पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, ठीक है। डायग्राम में देखो राइट पल्मोनरी आर्टरी किस तरफ है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी किस तरफ है, ठीक है। हार्ट के बाहर जाते हुए दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगी, एक लेफ्ट लंग में चली जाएगी और एक राइट लंग में चली जाएगी, ठीक है। कैरी द वीनस ब्लड टू द लंग्स वेयर कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब, एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, ठीक है। अब क्या है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके दोनों लंग्स के पास इसने पहुंचा दिया है, राइट वाली ने राइट साइड और लेफ्ट वाली ने लेफ्ट साइड, ठीक है। वहां पे क्या होगा, गैशियस एक्सचेंज होगा, जो लंग्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बना देंगे, ठीक है। फिर आगे क्या है, ये जो टू पल्मोनरी वेन्स आपको दिखाई दे रही हैं डायग्राम में, अब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो कि लंग्स में जाके प्यूरिफाई हो चुका है वो इन पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, ठीक है, दोबारा कहां पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। राइट लंग से और लेफ्ट लंग से, ठीक है, जो पल्मोनरी वेन्स है वो ब्लड को किस तरफ लेके आएंगी, लेफ्ट एट्रियम में ले आएंगी, ठीक है। फिर से लेफ्ट एट्रियम में प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो मिट्रल वॉल्व है वो अब ओपन होगा और सारा ब्लड जो है वो अलाउ होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करने के लिए, ठीक है। जैसे ही ब्लड यहां से एम्प्टी हो चुका और लेफ्ट एट्रियम में जो प्रेशर है वो रिलीव हो गया तो ये मिट्रल वॉल्व बंद हो जाएगा, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पड़ा है तो यहाँ पे वेंट्रिकुलर सिस्टोल अगेन होगा, फिर से वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और जो वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है अब वो एओटा में एंटर करेगा, ठीक है। एओटा में एंटर करेगा तो आगे क्या होगा, वहां से जो ब्लड है, आप देखो ऊपर थ्री ब्रांचेस हैं, ये थ्री ब्रांचेस अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ ले जाएंगी, हेड नेक एंड अपर एक्सट्रीमिटीज की तरफ जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगी और पीछे से डिसेंड करता हुआ एओटा नीचे की तरफ आएगा, डिसेंडिंग एओटा की तरफ, और वहां से जो सारा ब्लड है वो लोअर एक्सट्रीमिटीज की तरफ चला जाएगा, ठीक है। इस तरह सारे बॉडी में जो है हार्ट ब्लड को पंप करता है, क्लियर। इस सीक्वेंस से हमें क्या पता चलता है, द ब्लड पासिस फ्रॉम द राइट साइड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट वाय लंग्स और पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब इससे क्या देखने को मिलता है, ब्लड पहले राइट साइड में आता है फिर लेफ्ट साइड में जाता है, ठीक है, और लंग्स में भी जो है घूमता हुआ ये सर्कुलेट करता है जिसको हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं, ठीक है। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, ठीक है, जो दोनों एट्रियास हैं लेफ्ट एंड राइट साइड के वो एक ही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉलोड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, और जब वेंट्रिकल्स ही कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आती है तो वो भी साइमल्टेनियस यानी कि कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन एक ही बार में करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, द मसल लेयर ऑफ द वॉल्स ऑफ एट्रिया इज थिनर देन द वेंट्रिकल्स, ठीक है। जो मसल लेयर है एट्रिया की वो थिनर है एज कम्पेरेटिव टू द वेंट्रिकल्स की जो मसल लेयर है वो थिक है और एट्रिया की जो मसल लेयर्स है वो थिन है,
ठीक है, द एट्रिया प्रोपेल द ब्लड ओनली थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स इन टू द वेंट्रिकल्स. ठीक, एक ही जरिया है एट्रियम जो है वेंट्रिकल्स में ब्लड भेजने का, एक ही जरिया है थ्रू द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स. ठीक है, जो कि एवी वॉल्स हैं. द वेंट्रिकल्स एक्टिवली पंप द ब्लड टू द लंग्स एंड राउंड द होल बॉडी. अभी जो वेंट्रिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ब्लड को पंप करते हैं लंग्स की तरफ और दूसरी तरफ एओर्टा की तरफ, ठीक है, जो कि सारी फिर बॉडी को सप्लाई कर देता है ब्लड. द पल्मोनरी ट्रंक लीव्स द हार्ट फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल. ठीक है, राइट वेंट्रिकल से होता हुआ जो पल्मोनरी ट्रंक है वो अपर पार्ट में जाके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एक एक लंग में चला जाता है आर्टरी और दूसरी दूसरे लंग में चली जाती है. ठीक है, द एओर्टा लीव्स फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है, जो एओर्टा की एंट्री है वो कहां से है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से है. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लड फ्लो. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कोरोनरी सर्कुलेशन. अब कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, ब्लड सप्लाई टू द हार्ट. ठीक है, हम इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे. अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम आर्टीरियल सप्लाई. आर्टीरियल सप्लाई यानी कि जो आर्टरीज में सप्लाई होती है हार्ट के. द हार्ट इज सप्लाइड विद आर्टीरियल ब्लड बाय राइट एंड लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज दैट रिसीव अबाउट 5% ऑफ द ब्लड पंप फ्रॉम द हार्ट. ठीक है, अब जो हार्ट की आर्टरीज है उनको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज. ये राइट साइड और लेफ्ट साइड में डिवाइडेड है, आप देख सकते हो. ठीक है, ये कैरी करती है आर्टीरियल ब्लड जो कि इनको मिलता है जब भी ब्लड पंप करता है हार्ट. ठीक है, उसमें से जो 5% ब्लड है वो कोरोनरी आर्टरीज कैरी करती हैं. द हार्ट कंप्राइजेस अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी वेट. वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो हमने आर्टीरियल सप्लाई के बारे में पढ़ा था. ठीक है, वीनस ड्रेनेज क्या होता है, मोस्ट ऑफ द वीनस ब्लड इज कलेक्टेड इन टू नंबर ऑफ कार्डियक वेन्स दैट जॉइन टू फॉर्म द कोरोनरी साइनस विच ओपन्स इनटू द राइट एट्रियम. ये जो ज्यादातर वीनस ब्लड है इनको कौन कैरी करता है, हार्ट की तरफ, कार्डियक वेन्स कैरी करती है. और ये जो कार्डियक वेन्स है ये ज्वाइन कोरोनरी साइनस को फॉर्म करती है. आप डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, ये मोटी सारी वेन है, थिक वेन है जिसको हम कोरोनरी साइनस बोलते हैं, जो डायरेक्टली ओपन होती है राइट एट्रियम की तरफ. क्लियर, आगे बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है. द हार्ट पोजेसेस द प्रॉपर्टी ऑफ ऑटो रिदमिसिटी विच मीन्स इट जनरेट्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस एंड बीट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल. ठीक है, अब हार्ट के पास ऑटो रिदमिसिटी है यानी ये खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जेनरेट करता है और खुद से धड़कता है. ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ना कि नर्वस सिस्टम पे और ना हार्मोनल कंट्रोल पे. ठीक है, ये ऑटो रिदमिक प्रॉपर्टी है इसके पास. ठीक, आगे क्या है, इन एडिशन द हार्ट रिस्पॉन्ड्स टू अ नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग हार्मोन्स लाइक एड्रेनलिन दैट इज ऑल्सो नोन एज एपिनेफ्रिन एंड थायरॉक्सिन. ठीक है, हार्ट इन हार्मोन्स को रिस्पॉन्ड करता है. ठीक, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स इन द मायोकार्डियम इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्सिस कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल. ठीक है, अब छोटे छोटे ग्रुप्स हैं स्पेशलाइज्ड न्यूरोमस्कुलर सेल्स के जो कि मायोकार्डियम में प्लेस्ड हैं हार्ट के. ठीक है, और ये जो न्यूरोमस्कुलर सेल्स हैं मायोकार्डियम में ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, खुद ही स्टार्ट करते हैं इम्पल्सिस को और उनको खुद ही गाइड करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड, मतलब कि साइमल्टेनियसली जो कॉन्ट्रैक्शन है प्रॉपरली सिंक्रोनाइज्ड होती है और कोऑर्डिनेटेड होती है, वो बिल्कुल ही परफेक्ट होती है, परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज्ड होती है. ठीक, आगे हम बात करते हैं एसए नोड के बारे में. ठीक है, अभी जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है, ठीक है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है, सबसे पहले है एसए नोड जिसका नाम है साइनो एट्रियल नोड. ठीक है, जो ये साइनो एट्रियल नोड है कंसिस्ट ऑफ अ क्लस्टर ऑफ सेल्स दैट आर सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द एट्रियम नियर द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वीना केवा. एसए नोड है ये कहां पे प्लेस्ड है, राइट एट्रियम में प्लेस्ड है ऊपर की तरफ, जहां से सुपीरियर वीना केवा जो है, ठीक है, ओपनिंग जिस जहां पे होती है सुपीरियर वीना केवा की राइट एट्रियम में, ये वहां पे प्लेस्ड है एसए नोड. ठीक है, इसको हम साइनस नोड भी बोलते हैं एंड इट इज कॉल्ड द नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट. ठीक है, ये जो नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट है वो कौन है, एसए नोड है, जो कि नेचुरली इम्पल्सिस को क्रिएट करता है. क्लियर, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आर जेनरेटेड बाय साइनो एट्रियल सेल्स. ठीक है, अब ये जो साइनस नोड है, एसए नोड है, इसमें सेल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड. ठीक है, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को खुद जेनरेट करता है, खुद पैदा करता है. फ्रॉम द साइनस नोड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रेवल अक्रॉस द एट्रिया
टू वेंट्रिकल्स कॉजिंग देम टू कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स। ठीक, अब साइनस नोड से क्या होगा, ये खुद ही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जेनरेट करती हैं, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हैं वो एट्रियम से वेंट्रिकल्स की तरफ बढ़ेंगी और इसके साथ क्या होगा, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन होगी वेंट्रिकल्स की कि ब्लड को पंप करेगा टूवर्ड्स द लंग्स एंड द बॉडी। ठीक है, आगे है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड हम एवी नोड को भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, डायग्राम में देखो इसकी प्लेस कहाँ पे है, बिल्कुल एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के पास है, सेप्टम के पास है, एट्रियम सेप्टम के पास। ठीक है, दो एट्रियम्स के देखो बीच में है जो सेप्टम, उसके पास एवी नोड जो है प्लेस्ड है और एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स के पास है। ठीक, दिस स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू इज सिचुएटेड इन द वॉल्स ऑफ एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, अब ये जो छोटा सा मास है, ठीक है, न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का जिसको हम बोलते हैं एवी नोड, और ये कहाँ पे सिचुएटेड है, एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम्स के बीच में जो सेप्टम है उसके पास, नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। ठीक है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स है बिल्कुल उसके पास है। नॉर्मली द एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड मियरली ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, सिमिलरली ऐसे नोड की तरह भी यहाँ पे भी जो नर्व इम्पल्सिस क्रिएट होती हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस क्रिएट होती हैं, वो एट्रियम से होते हुए वेंट्रिकल्स की तरफ बढ़ती हैं। देयर इज अ डिले हेयर, द इलेक्ट्रिकल सिग्नल टेक्स 0.1 सेकेंड टू पास थ्रू इन टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 0.1 सेकेंड का डिले होगा इन नर्व इम्पल्सिस को, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को एट्रियम से लेके वेंट्रिकल्स की तरफ पास होने के लिए। ये डिले क्यों जरूरी है, ताकि जो एट्रियम है वो पूरा का पूरा जो ब्लड है वो एम्प्टी कर सके वेंट्रिकल्स में, इसलिए 0.1 सेकेंड का यहाँ पे डिले हो जाता है। ठीक है, ताकि एट्रियम पूरी तरह से खाली हो सके और वेंट्रिकल्स भर जाए। ठीक है, दिस अलाउज द एट्रिया टू फिनिश कॉन्ट्रैक्टिंग बिफोर द वेंट्रिकल्स स्टार्ट। ठीक, द एवी नोड ऑल्सो हैज सेकेंडरी पेसमेकर फंक्शन एंड टेक्स ओवर दिस रोल इफ देर इज अ प्रॉब्लम विद द एसए नोड इटसेल्फ और विद द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस फ्रॉम द एट्रिया। अब ये जो एवी नोड है, ठीक है, इसको सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट बोल सकते हैं। अगर एसए नोड में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर जो ये एवी नोड है, ठीक है, ये एज अ सेकेंडरी पेसमेकर ऑफ हार्ट के तौर पर काम करता है, नर्व इम्पल्सिस को जनरेट करता है। ठीक है, आगे ये डायग्राम में आप इजिली देख सकते हो एसए नोड कहाँ पे है, एवी नोड कहाँ पे है, ठीक है, और बंडल ऑफ हिस कहाँ पे है। ठीक है, ये हमने वन बाय वन पढ़ना है भी। आगे बात करते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल के बारे में, जिसको हम एवी बंडल और बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं। ठीक है, डायग्राम में देखो ये जो येलो लेयर है नीचे वेंट्रिकल्स की तरफ एट्रियम से होते हुए, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये जो नीचे की तरफ आते हुए वेंट्रिकल्स में आप देखोगे छोटी छोटी ब्रांचेस टूट रही हैं, ये येलो कलर की आप ब्रांचेस देख रहे हो, इसको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, अब क्या है, दिस इज अ मास ऑफ स्पेशलाइज्ड फाइबर्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम एवी नोड। ठीक है, अब ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, ठीक है, ये क्या है, ये स्पेशलाइज्ड फाइबर्स हैं जो कि ओरिजिनेट होती हैं कहां से, एवी नोड से ये ओरिजिनेट होती हैं। द एवी बंडल क्रॉसेस द फाइबरस रिंग दैट सेपरेट्स एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, देन एट द अपर एंड ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम इट डिवाइड्स इंटू राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। ठीक है, अब क्या है, ये जो एवी बंडल है ये क्या है, क्रॉस करता है फाइबरस रिंग जो कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में सेंटर में। ठीक है, फिर क्या है, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम में आते हुए अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट साइड ब्रांचेस एंड लेफ्ट साइड बंडल ब्रांचेस में। ठीक है, अब क्या है, विद इन द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम, अब वेंट्रिकल्स के मायोकार्डियम में क्या हो जाता है, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल है, ठीक है, ये क्या करता है, छोटे छोटे ब्रांचेस में टूट जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, और उस फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, पर्किंजे फाइबर्स। ठीक है, जो ब्रांचेस हैं, फाइबर्स हैं, जो ये एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल जो आगे वेंट्रिकल्स में जाके टूट जाती हैं, एक ब्रांचेस फॉर्म करती हैं फाइबर्स की, उसको हम बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। ठीक, द एवी बंडल, बंडल ब्रांचेस एंड पर्किंजे फाइबर्स ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस फ्रॉम एवी नोड टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम वेयर द वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन्स देन स्वीप्स अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स पंपिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। ठीक है, अब ये जो एवी बंडल है, बंडल ब्रांचेस है या फिर पर्किंजे फाइबर्स से, ये क्या करती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है कहां से कहां तक, एवी नोड से लेके टू द एपेक्स ऑफ द मायोकार्डियम। ठीक है, वहां तक ये जो है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करती है। ठीक है, और इसकी वजह से वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब स्टार्ट हो जाता है, जो ब्लड है, ठीक है, वो पंप होना स्टार्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, एक तरफ से चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में और दूसरी तरफ से चला जाएगा एओर्टा में, जो हमने पीछे पढ़ा है ब्लड फ्लो के बारे में, सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड में हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो ऊपर की तरफ पंप हो जाएगा।
ठीक, आगे आगे पढ़ेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट के बारे में। ठीक है, क्या क्या है? सबसे पहला फैक्टर है जेंडर, सेकंड वन इज ऑटोनॉमिक नर्व एक्टिविटी, थर्ड वन इज एज, फोर्थ वन इज सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स लाइक एड्रेनलिन और थायरोक्सिन, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, टेम्परेचर, द बैरोसेप्टर इज फ्लेक्स, ठीक है, एंड इमोशनल स्टेट्स। ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं, जिनकी वजह से हार्ट रेट बढ़ भी जाता है और कम भी हो जाता है। ठीक ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कार्डिक साइकिल की। द कार्डिक साइकिल इज द परफॉर्मेंस ऑफ द ह्यूमन हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट वन। ठीक है, अब ये जो साइकिल है, जनरली हम साइकिल किसको बोलते हैं कि एक के बाद जो एक इवेंट है वो नॉन स्टॉप यानी कि कॉन्टिन्यूएशन में चलता रहे। ठीक है, तो कार्डिक साइकिल क्या है? ये ह्यूमन हार्ट की परफॉर्मेंस है कि कितनी बखूबी से जब एक साइकिल खत्म होता है यानी कि एक हार्ट बीट जनरेट होती है तो साथ के साथ दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाए। ठीक है, ड्यूरिंग ईच हार्ट बीट और कार्डिक साइकिल द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। ठीक है, एक हार्ट बीट हम किसको बोलते हैं? जैसे कि हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, उसको हम वन हार्ट बीट काउंट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो नेक्स्ट हार्ट बीट स्टार्ट होती है उसको हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि एक बार हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया और रिलैक्स किया, एक हार्ट बीट बनी और साथ के साथ दूसरी हार्ट बीट स्टार्ट हो गई विदाउट एनी गैप। ठीक है, दूसरी बार भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, इस तरह से हार्ट बीट्स जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डिक साइकिल। ठीक, इट कंसिस्ट ऑफ टू पीरियड्स। अब जो कार्डिक साइकिल, इसमें दो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, वन इज द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जिसको सिस्टोल बोलते हैं, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, और दूसरा जब रिलैक्स करता है उसको हम डायस्टोल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो स्टेजेस ऑफ कार्डिक साइकिल। अब जो स्टेजेस है कार्डिक साइकिल के वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज द एट्रियल सिस्टोल, सेकेंड वन इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड थर्ड वन इज द एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल यानी कि कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल। ठीक है, अभी जो एट्रियल सिस्टोल, सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि यहाँ पे एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो देखते हैं एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमेनिंग ब्लड इज पोस्ट इन टू द वेंट्रिकल्स। ठीक है, जब भी ऊपर से एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड नीचे की तरफ आएगा वेंट्रिकल्स में। सेकेंड इसमें कौन सी स्टेज है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी अब वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट करने की बारी आती है। तो ठीक है, जो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ब्लड ऊपर की तरफ पुश करेंगे, एक साइड से पल्मरी आर्टरी में जाएगा और दूसरी तरफ से एओर्टा में ब्लड जाएगा। ठीक है, अब तीसरी स्टेज जो है दैट इज कॉल्ड एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। ठीक है, यानी कि कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल, यानी कि ये हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के बाद एक थोड़े से टाइम के लिए पॉज आता है जब हार्ट रिलैक्स करता है। ठीक है, द चैम्बर्स आर रिलैक्स एंड फिलिंग विथ ब्लड अगेन। ठीक है, अब इसको हम डिटेल्स में देखते हैं। द सुपीरियर वीना केवा एंड द इन्फीरियर वीना केवा ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड इन टू द राइट एट्रियम। ठीक है, हमने पहले ही पढ़ा है कि सुपीरियर और इन्फीरियर वीना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड पे लेके आएंगे एट्रियम के। ठीक है, एट द सेम टाइम द फोर पल्मरी वेन्स ब्रिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन टू द लेफ्ट एट्रियम। और दूसरी तरफ क्या है? लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मरी वेन्स लाके कहाँ पे डाल रही है? लेफ्ट एट्रियम में डाल रही है। ठीक है, अब जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं, ठीक है, वो ओपन होंगे ताकि जो ब्लड है, ठीक है, वो वेंट्रिकल्स में फ्लो कर सके। जो एसए नोड है, ठीक है, जो कि सुपीरियर वीना केवा के पास ऊपर राइट एट्रियम की तरफ प्लेस्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा? अब एसए नोड है, हमें पता है वो पेसमेकर ऑफ द हार्ट है, उसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करना है। जनरेट होने की वजह से क्या होगा? डायग्राम में आप देखो, एक ही बार में दोनों जो एट्रियम है, एट्रिया है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा? ब्लड जो सारा है वो नीचे वेंट्रिकल्स में पुश हो जाएगा और वेंट्रिकुलर फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, यानी कि एट्रियम जो है दोनों वो एक बार में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और उन्होंने ब्लड को नीचे की तरफ पुश किया है। और ये जो स्टेज है ये 0.1 सेकेंड की है। ठीक है, 0.1 सेकेंड में एट्रियम जो है कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? एंड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस रीचेस द एवी नोड, इट इज स्लो डाउन डिलेइंग एट्रियोवेंट्रिकुलर ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हमने पढ़ा था पीछे कि जो एवी नोड है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को कुछ टाइम के लिए स्लो कर देती है। ठीक है, स्लो क्यों कर देती है? ताकि जो एट्रिया है वो पूरी तरह खाली कर दे ब्लड को वेंट्रिकल्स में। ठीक है, आफ्टर दिस ब्रीफ डिले, इस थोड़े टाइम के पॉज के बाद क्या होगा? द एवी नोड, ये पॉज कितने टाइम का होता है? 0.1 सेकेंड के लिए ही होता है, कोई ज्यादा एक दो मिनट का नहीं होता है। 0.1 सेकेंड यानी एक सेकेंड से भी
कम टाइम में ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस ब्रीफ डिले द एवी नोड ट्रिगर्स इट्स ओन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विच क्विकली स्प्रेड्स टू द वेंट्रिकुलर मसल वाया एवी बंडल द बंडल ब्रांचेस एंड द पकिंजे फाइबर्स, ठीक है। अब एक बार जब वेंट्रिकल्स में खून चला गया, सारा ब्लड फिल हो चुका है वेंट्रिकल्स में, एट्रियम खाली हो गए हैं, तो जो एवी नोड है वो फटाफट से अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को जनरेट करेगा और क्या करेगा, ये जो वेंट्रिकल्स हैं उनको ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा, ठीक है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल करवाएगा, क्लियर। और ये जो प्रोसेस है 0.3 सेकेंड्स का होता है, ये जो स्टेज होती है, ठीक है। आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स देयर इज अ कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल अ पीरियड ऑफ 0.4 सेकेंड्स व्हेन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या है, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एक साइड पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड भेज देगा, दूसरी साइड एओर्टा में भेज देगा, उसके बाद क्या होगा, कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन होगा, ठीक है, यानी कि एट्रिया एंड वेंट्रिकल दोनों रिलैक्स करेंगे 0.4 सेकेंड्स के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम द मायोकार्डियन रिकवर्स इन प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट हार्ट बीट एंड द एट्रिया रिफिल इन प्रिपरेशन फॉर नेक्स्ट साइकिल, ठीक है। इस दौरान क्या होगा, ये 0.4 सेकेंड्स के दौरान क्या होगा कि जो मायोकार्डियम है दोबारा से रिकवर करेगा, प्रिपेयर करेगा नेक्स्ट हार्ट बीट के लिए, एट्रिया है जो वो फिर से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को फिल करने के लिए और नेक्स्ट साइकिल को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट एंड ग्रेट ब्लड वेसल्स ओपन एंड क्लोज अकॉर्डिंग टू द प्रेशर विद इन द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट, ठीक है। जो वॉल्स हैं हमने पढ़ा है, ठीक है, हार्ट की और ग्रेट ब्लड वेसल्स की, ठीक है, ये क्या करेंगी, ये प्रेशर के अकॉर्डिंगली खुलती हैं और बंद होती हैं, ठीक है। द एवी वॉल्स आर ओपन व्हेन द वेंट्रिकुलर मसल इज रिलैक्स्ड ड्यूरिंग द एट्रियल फिलिंग एंड सिस्टोल, ये जो एवी वॉल्स हैं ये जब ओपन होते हैं, जब हमें पता है एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, तो ये एवी वॉल्स ओपन होकर रिलैक्स हो जाते हैं और अलाउ करते हैं सारा ब्लड को वेंट्रिकल की तरफ जाने के लिए, ठीक है। अब क्या है, द एवी वॉल क्लोजेस व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, और जब भी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने वाले होते हैं, ठीक है, ये जो एवी वॉल्स है ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। द पल्मनरी एंड एओर्टिक वॉल्व्स ओपन व्हेन द वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस इन द पल्मनरी आर्टरी एंड इन द एओर्टा एंड ब्लड फ्लोस इनटू दिस वेसल्स, ठीक है। अब ये जो पल्मनरी वॉल्व है एक तरफ और एओर्टिक वॉल्व है, ठीक है, जब भी वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगी, ठीक है, एक तरफ से पल्मनरी वॉल्व ओपन हो जाएगा और दूसरी तरफ से एओर्टिक वॉल्व ओपन हो जाएगा ताकि अलाउ कर सके पल्मनरी और एओर्टा में ब्लड को पास कराने के लिए। पल्मनरी एंड एओर्टिक वॉल क्लोज व्हेन द वेंट्रिकल्स रिलैक्स एंड द प्रेशर विद इन देम फॉल्स, द रिवर्स प्रोसेस अकर्स, ठीक है। और एक बार जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करके हट जाएंगे तो क्या होगा, ये जो पल्मनरी एंड एओर्टिक वॉल से ये बंद हो जाएंगे ताकि बैक फ्लो को प्रिवेंट कर सके। द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स ओपन एंड द साइकिल बिगिंस अगेन, ठीक है। फिर से जब एट्रियम में फिलिंग हो जाएगी ब्लड की, ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स हैं ये फिर से ओपन हो जाएंगे और सारा प्रोसेस जो है अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। दिस सीक्वेंस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग वॉल्स इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शनल, ठीक है। ये जो ओपन और क्लोज हो रहे हैं वॉल्व, ये क्या दर्शाते हैं कि जो ब्लड फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आगे बात करते हैं हार्ट साउंड्स के बारे में। देर आर फोर हार्ट साउंड्स ईच कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर इवेंट इन द साइकिल, चार तरह की हार्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है, ठीके? और जो सबसे इजीली डिस्टिंग्विश हो जाती है, हमें पहचान में आ जाती है स्टेथोस्कोप लगा के, वो कौन सी होती है, लप डप होती है, ठीक है। जो फर्स्ट साउंड है लप, इट इज फेयरली लाउड होती है एंड इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स, ठीक है। जो लब आवाज आती है जब ये वॉल्स हमारे एट्रियो वेंट्रिकुलर क्लोज होते हैं तो वो लब साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बहुत लाउड होती है एंड दिस कॉरेस्पॉन्ड्स विद द स्टार्ट ऑफ द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। इसके बाद हमें पता चल जाता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो अब हो चुका है, ठीक है, तब भी तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स बंद हुए हैं, अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, ठीक है, तब लब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। द सेकेंड साउंड इज डप, ठीक है, इट इज सॉफ्टर एंड इट इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ द एओर्टिक एंड पल्मनरी वॉल्स, ठीक है। और ये जो सेकेंड साउंड है ये क्यों प्रोड्यूस होती है, जब एओर्टिक और पल्मनरी वॉल्स जो है जब वो क्लोज करते हैं तो डप साउंड प्रोड्यूस होती है। दिस कोरिस्पॉन्ड्स विद द वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ठीक है, यानी कि अब वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं तो जाके ये जो एओर्टिक वॉल्स हैं और पल्मनरी वॉल्स हैं ये क्लोज हुए तो डब साउंड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यानी कि हार्ट साउंड्स तब प्रोड्यूस होते हैं जब वॉल्स बंद होते हैं, ठीक है। लब होता है जब एवी वॉल्स क्लोज हों और डब साउंड प्रोड्यूस होती है जब पल्मनरी एंड एओर्टिक वॉल्स क्लोज हों, क्लियर। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल चेंजेस इन द हार्ट के बारे में।
As the fluids and tissues are good conductors of electricity, the electrical activity within the heart can be detected by attaching electrodes to the lungs and the chest. ठीक है, हमने अगर हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के बारे में जानना है तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, ईसीजी मशीन होती है, उसके पास इलेक्ट्रोड्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, लिम्स और चेस्ट पे प्लेस करेंगे. द अपैरेटस यूज इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ट्रेसिंग इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, अब द अपैरेटस यूज इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड द ट्रेसिंग इज एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक है, जो अपैरेटस हम यूज करते हैं, ईसीजी मशीन यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ठीक है, और जो ट्रेसिंग आ रही होती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. ठीक, द नॉर्मल ईसीजी ट्रेसिंग शोज फाइव वेव्स, पांच तरह की वेव्स दिखती है हमें ईसीजी मशीन जो शो करती है, दैट इज PQRST. ठीक है, ये वेव्स होती हैं. द पी वेव अराइजेस व्हेन द इम्पल्स फ्रॉम द SA नोड स्वीप ओवर द एट्रिया. एट्रियल डीपोलराइजेशन बोलते हैं इसको. पी वेव कब प्रोड्यूस होती है, जब SA नोड जो है, ठीक है, वो स्वीप ओवर हो रही होती है एट्रियम की तरफ, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस है SA नोड एट्रिया की तरफ जनरेट कर रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन. तब पी वेव जनरेट होती है. QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द वेरी रैपिड स्प्रेड ऑफ द इम्पल्स फ्रॉम द AV नोड थ्रू द AV बंडल एंड द परकिंजे फाइबर्स एंड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल. दिस इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. ठीक है, जो QRS कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रैपिड स्प्रेड जो है इम्पल्स की, वो रिप्रेजेंट करता है जब जो इम्पल्स हैं वो AV नोड के थ्रू AV बंडल परकिंजे फाइबर्स की तरफ फैलती हैं और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ वेंट्रिकुलर मसल. ठीक है, अब वेंट्रिकुलर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस हो रही होती है, QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो उसको रिप्रेजेंट करता है और इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन. क्लियर, द डिले बिटवीन द कंप्लीशन ऑफ द पी वेव एंड द ऑनसेट ऑफ द QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट्स द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स थ्रू द AV नोड दैट अलाउज द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन टू फिनिश कंप्लीटली बिफोर द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स. ठीक है, अब जो इन दोनों के बीच में, पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स के बीच में थोड़ा सा डिले जो हमें दिखाई देता है, वो क्या होता है, ठीक है, वो होता है पीरियड बिटवीन जहां पे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन फिनिश होता है और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, उसके दौरान का जो डिले है वो पी वेव और QRS कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलता है. ठीक है, आगे है. अब टी वेव क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकुलर मसल. ठीक है, जो वेंट्रिकल्स मसल्स हैं हमारे वेंट्रिकुलर, जब वो रिलैक्स करते हैं तब टी वेव प्रोड्यूस होती है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन. ठीक, द ईसीजी डिस्क्राइब्ड अबव ओरिजिनेट्स फ्रॉम द SA नोड एंड इज नोन एज साइनस रिदम. ठीक है, अब ये जो सारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस हम जानते हैं, SA नोड ही ओरिजिनेट करता है, जेनरेट करता है, और इसको हम बोलते हैं साइनस रिदम. ये जो रिदम हमें डायग्राम में दिख रही है, ठीक है, वेव्स ऊपर नीचे हैं, ठीक है, ये जो वेव्स हैं, ये जो रिदम में है, इसको हम बोलते हैं साइनस रिदम, क्योंकि इसको SA नोड ने, यानी साइनोएट्रियल नोड ने जनरेट किया हुआ है. द रेट ऑफ साइनस रिदम इज 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ठीक, अ फास्टर हार्ट रेट इज कॉल्ड टेकिकार्डिया एंड स्लोअर हार्ट रेट इज कॉल्ड ब्रेडिकार्डिया. जब धड़कन बढ़ जाती है हम उसको टेकिकार्डिया बोलते हैं, और जब कम हो जाती है उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं. क्लियर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट कार्डियक आउटपुट. सो लेट्स बिगिन. व्हाट इज कार्डियक आउटपुट? इट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल इन एवरी मिनट. ठीक है, जो कार्डियक आउटपुट है वो क्या होता है, कि हमारे दोनों वेंट्रिकल्स में से द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड इन एवरी वन मिनट, एक मिनट में दोनों वेंट्रिकल्स कितना अमाउंट है ब्लड का उसको इजेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट. ठीक है, और स्ट्रोक वॉल्यूम किसको बोलते हैं, द अमाउंट एक्सपेल्ड बाय ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ईच वेंट्रिकल इज द स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, हर एक कॉन्ट्रैक्शन में, ठीक है, द अमाउंट एक्सपेल्ड बाय ईच वेंट्रिकल, यानी एक कॉन्ट्रैक्शन में एक वेंट्रिकल कितना अमाउंट जो है ब्लड का एक्सपेल करता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रोक वॉल्यूम. ठीक है, अब ये जो कार्डियक आउटपुट है, इट इज एक्सप्रेस्ड इन लीटर्स पर मिनट एंड इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द स्ट्रोक वॉल्यूम बाय हार्ट रेट. ठीक है, हार्ट रेट कैसे मेजर करते हैं हम, बीट्स पर मिनट में. आप इसका डायग्राम में देख सकते हो इसका फॉर्मूला. ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड फ्रॉम ईच वेंट्रिकल पर मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू SV, यानी कि जो स्ट्रोक वॉल्यूम है. ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिलीलीटर पर बीट, और हार्ट रेट क्या है, बीट्स पर मिनट में हम कैलकुलेट करते हैं. इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा स्ट्रोक वॉल्यूम प्लस हार्ट रेट को, उतना हमारा कार्डियक आउटपुट होता है. ठीक, आगे, इन हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम इज अप्रोक्सीमेटली 70 ml एंड इफ द हार्ट रेट इज 72 पर मिनट
देन द कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर पर मिनट. ठीक है, अब हमने कैसे कैलकुलेट करना है, जब कोई हेल्दी एडल्ट एट रेस्ट है उसका स्ट्रोक वॉल्यूम हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70 ml है. ठीक है, जब वो रेस्टिंग पोजिशन में है और उसकी जो हार्ट रेट है वो 72 बीट्स पर मिनट है. इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 70 ml इंटू 72 बीट्स पर मिनट, इनको मल्टीप्लाई करके जो कार्डिक आउटपुट हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है 5 लीटर पर मिनट. ठीक है, दिस कैन बी ग्रेटली इंक्रीज टू मीट द डिमांड्स ऑफ एक्सरसाइज टू अराउंड 25 लीटर पर मिनट एंड इन एथलीट्स अप टू 35 लीटर पर मिनट. ठीक है, और ये जो है कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज करता है. ठीक है, कैसे, अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है तो उसका जो कार्डिक आउटपुट है, ठीक है, बॉडी की डिमांड्स को मीट करने के लिए वो इंक्रीज कर जाता है एक्सरसाइज में राउंड अबाउट 25 लीटर्स पर मिनट हो जाता है, और एथलीट्स में कम से कम 35 लीटर्स पर मिनट तक कार्डिक आउटपुट जो है वो इंक्रीज कर जाता है ताकि बॉडीली डिमांड्स को पूरा किया जा सके. ठीक है, दिस इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज इज कॉल्ड कार्डियक रिजर्व. ठीक है, जो एक्सरसाइज के दौरान इंक्रीज होता है इसको हम बोलते हैं कार्डियक रिजर्व. व्हेन इंक्रीज्ड ब्लड सप्लाई इज नीडेड टू मीट इंक्रीज टिश्यू रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, हार्ट रेट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड. आगे बात करते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम की. ये हमने पढ़ा है कार्डियक आउटपुट के बारे में, अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रोक वॉल्यूम. What is stroke volume? It is determined by the volume of blood in ventricles immediately before they contract, that is ventricular end diastolic volume, VEDV, sometimes called preload. ठीक है, अब stroke volume हमने देखा कि क्या है, the volume of blood in ventricles. ठीक है, कि कितना amount of blood है ventricles में before they contract. ठीक है, उनके contract होने से पहले. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ventricular end diastolic volume. ठीक है, जिसको हम preload बोलते हैं. क्लियर, वेंट्रिकल्स में कितना ब्लड है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के पहले उसको हम प्रीलोड बोलते हैं. प्रीलोड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट थ्रू द सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवल द वीनस रिटर्न. ठीक है, अभी जो प्रीलोड है ये डिपेंड करता है द अमाउंट, उस अमाउंट पे जो कि हार्ट को रिटर्न हो रहा है थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वीना केवल, यानी कि वीनस रिटर्न पे डिपेंड करता है कौन, प्रीलोड. ठीक है, इंक्रीज प्रीलोड लीड्स टू स्ट्रॉन्गर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन. अगर प्रीलोड इंक्रीज होगा तो वो स्ट्रॉन्गर मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन में लीड करेगा. ठीक है, मोर ब्लड जो है वो एक्सपेल होगा, राइजिंग द स्ट्रोक वॉल्यूम एंड द कार्डियक आउटपुट ऑल्सो राइजेस. ठीक है, प्रीलोड ज्यादा होगा तो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी. ठीक है, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा जो ब्लड है वो एक्सपेल करेगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी और कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होगा. ठीक है, नेक्स्ट है हार्ट रेट. हार्ट रेट इज द स्पीड ऑफ हार्ट बीट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ हार्ट पर मिनट. ठीक है, हार्ट रेट किसको बोलते हैं हम, कि एक मिनट में कितनी हार्ट बीट प्रोड्यूस होती है, हार्ट कितनी बारी बीट करता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट रेट. द हार्ट रेट डिटर्मिन्स कार्डियक आउटपुट. ठीक है, कार्डियक आउटपुट को कौन डिटर्मिन करता है, हार्ट रेट करता है. इफ हार्ट रेट राइजेस कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस, इफ इट फॉल्स कार्डियक आउटपुट ऑल्सो फॉल्स. ठीक है, आगे है ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर क्या है, इट इज द फोर्स और प्रेशर दैट द ब्लड एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स. ठीक है, अब जो ब्लड है वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेसल वॉल्स पे उसको हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर. यानी कि जब ब्लड फ्लो कर रहा है, जो वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है ब्लड वेसल्स पे उसको हम ब्लड प्रेशर बोलते हैं. सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मेंटेन्स एसेंशियल फ्लो ऑफ ब्लड इन टू एंड आउट ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. ठीक है, अभी जो सिस्टमिक आर्टीरियल ब्लड प्रेशर है, यानी जो आर्टरीज के थ्रू ब्लड का जो प्रेशर है, ठीक है, वो क्या मेंटेन करता है, ब्लड के फ्लो को मेंटेन करता है ताकि वो इजिली इन एंड आउट ऑफ द ऑर्गन्स आ जा सके. ठीक है, कीपिंग ब्लड प्रेशर विद इन नॉर्मल लिमिट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड प्रेशर ना ज्यादा हाई होना चाहिए ना ज्यादा लो होना चाहिए, इसका नॉर्मल लिमिट्स में रहना बहुत जरूरी है बॉडीली फंक्शंस के लिए. ठीक है, तो क्या है, हाई लेवल्स ऑफ ब्लड प्रेशर कैन लीड डैमेज टू द ब्लड वेसल्स दैट कैन कॉज क्लॉट्स और ब्लीडिंग फ्रॉम द साइड्स ऑफ ब्लड वेसल रप्चर. ठीक है, अभी जो हाई लेवल्स ऑफ ब्लड है क्या हो जाएगा, अगर बीपी हाई हो जाएगा तो वेसल वॉल जो है डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, अगर ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाए तो क्या होगा, द ब्लड फ्लो थ्रू टिश्यूज बेड मे बी इनएडिक्वेट. ठीक है, जो टिश्यूज के बेड है डीपली सिचुएटेड उनमें से जो ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो कम हो जाएगा और इससे क्या होगा, दिस इज पर्टिकुलरली डेंजरस फॉर सच एसेंशियल ऑर्गन्स लाइक हार्ट ब्रेन और किडनीज. ठीक है, और ये इसका जो प्रेशर है कम होने की वजह से क्या होगा, जो हार्ट ब्रेन और किडनीज है इसकी फंक्शनिंग ऑल्टर हो जाएगी, जो कि बॉडी के लिए डेंजरस साबित हो सकती है. ठीक है, अब ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर.
ठीक है, ब्लड प्रेशर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पुशेस ब्लड इनटू एओर्टा, द प्रेशर प्रोड्यूस्ड विद इन द आर्टेरियल सिस्टम इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब लेफ्ट साइड ऑफ द वेंट्रिकल ब्लड को पुश करके, ठीक है, एओर्टा में सेंड करता है ब्लड को, जो वहां से प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इन जो एडल्ट हैं उनमें जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो राउंड अबाउट 120 mmHg होता है, जिसको हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। ठीक है, अब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, व्हेन कंप्लीट कार्डियक डायस्टोल अकर्स एंड हार्ट इज रेस्टिंग फॉलोइंग द इजेक्शन ऑफ द ब्लड, द प्रेशर विद इन द आर्टरीज इज मच लोअर एंड इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होके कंप्लीटली अब रिलैक्स कर रहा है, रिलैक्सेशन स्टेज पे है, ठीक है, उसमें जो भी ब्लड जो है इजेक्ट हो रहा है बिटवीन द आर्टरीज, जो फ्लो ऑफ ब्लड है, जो प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है आर्टरीज पे, जब हार्ट रेस्टिंग पोजिशन पे है, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जनरली जब हार्ट रेस्टिंग स्टेट में होता है, जो प्रेशर होता है आर्टरीज के बीच का वो डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए जो एडल्ट में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको 18 mmHg नॉर्मल कंसीडर किया गया है। राइट, आगे है द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड द पल्स प्रेशर। ठीक है, और जो डिफरेंस है इन दोनों में, 120 mmHg और 80 mmHg जो इनमें डिफरेंस है, ठीक है, दोनों ब्लड प्रेशर्स में, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक में, उसको हम पल्स प्रेशर भी बोलते हैं। ठीक, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, जो इसको मेजर करने की मशीन है उसको हम स्फिग्मो मैनोमीटर बोलते हैं। इट इज एक्सप्रेस्ड विद सिस्टोलिक प्रेशर रिटन अबव द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, अब जो सिस्टोलिक वाला है वो ऊपर तरफ लिखा जाता है, यानी 120, और डायस्टोलिक वाले को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, अब डायग्राम में देखो रिप्रेजेंट कैसे हो रहा है, 120 by 80 mmHg। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ब्लड प्रेशर वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ डे, पोस्चर, जेंडर और एज। राइट, अब जो ब्लड प्रेशर है दिन के टाइम में डिफरेंट होता है, पोस्चर पे डिपेंड करता है, जेंडर में भी ये डिफरेंट डिफरेंट होता है, और एज के अकॉर्डिंगली ये डिफरेंट होता है। ठीक, ब्लड प्रेशर फॉल्स एट रेस्ट एंड ड्यूरिंग स्लीप। जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है ड्यूरिंग रेस्ट एंड स्लीप, इट इंक्रीजेस विद एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने के चांसेस होते हैं, यूजुअली हायर इन वुमेन देन इन मेन। ठीक है, आगे है पल्स। पल्स अब क्या है, द पल्स इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन एंड एलोंगेशन फेल्ट इन द आर्टरी वॉल ईच टाइम द लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्ट्स ब्लड इनटू द सिस्टम। ठीक है, अब ये जो पल्स है ये क्या है, ये एक वेव ऑफ डिस्टेंशन है। ठीक है, आर्टरी जो है, ठीक है, उसमें एक वेव ऑफ डिस्टेंशन फील होती है जब भी लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ब्लड इजेक्ट करता है इनटू द सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारी आर्टरी है वो डिस्टेंड होती है बिकॉज ऑफ द सडन फ्लो ऑफ ब्लड इनटू इट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पल्स। ईच कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्सेस अबाउट 60 to 80 milliliters ऑफ ब्लड थ्रू द एओर्टा एंड इन टू द आर्टेरियल सिस्टम। अब हर कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेफ्ट वेंट्रिकल से अबाउट 60 to 80 milliliters ऑफ ब्लड जो है एओर्टा में एंटर करता है और फिर सारे आर्टेरियल सिस्टम में चल पड़ता है। ठीक, इट कैन बी फेल्ट एट एनी पॉइंट वेयर अ सुपरफिशियल आर्टरी कैन बी प्रेस जेंटली अगेंस्ट अ बोन। ये कहीं भी हम सुपरफिशियल आर्टरी पे हाथ रख के फील कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग ये जो रेडियल पल्स है, ठीक, जनरली जो हमारी रिस्ट में है इसको रेडियल पल्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोन के अगेंस्ट हल्का सा प्रेस करके जेंटल प्रेशर देके हम लोग फील कर सकते हैं, हार्ट रेट काउंट कर सकते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ पल्स बीट्स पर मिनट नॉर्मली रिप्रेजेंट्स द हार्ट रेट। और जितनी बार भी जो पल्स है वो बीट करती है वो हार्ट रेट को प्रेजेंट करती है। इट वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट पीपल एंड इन द सेम पर्सन एट डिफरेंट टाइम्स। अब ये क्या है, अलग अलग लोगों में अलग अलग रेट होता है इसका, पल्स रेट का, और सेम पर्सन में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में। ठीक है, जब वो भाग रहा है, वो सो रहा है, या कोई स्ट्रेनस एक्टिविटी कर रहा है, या काम डाउन है, ठीक है, तब भी इसका जो रेट होगा वो कम होगा। एंड एवरेज ऑफ 60 to 80 इज कॉमन एट रेस्ट। ठीक है, रेस्ट पे नियर अबाउट 60 to 80 होता है पल्स रेट। आगे है द पल्स इंडिकेट्स। अब पल्स इंडिकेट क्या क्या करता है, द रेट एट विच द हार्ट इज बीटिंग, हार्ट रेट बताता है हमें, द रेगुलरिटी ऑफ द हार्ट बीट, द इंटरवल्स बिटवीन बीट्स शुड बी इक्वल। ठीक है, रेगुलरिटी बताता है हार्ट बीट की, और एक ही तरह से टक 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 जब बजती रहती है हमें पता चलता है कि जो हार्ट रेट है उसकी जो बीट्स है वो नॉर्मली चल रही हैं। द वॉल्यूम और स्ट्रेंथ ऑफ द बीट, राइट, इट शुड बी पॉसिबल टू कंप्रेस द आर्टरी विद मॉडरेट प्रेशर स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ ब्लड, द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल गिव्स सम इंडिकेशन ऑफ द ब्लड प्रेशर एंड द स्टेट ऑफ द ब्लड वेसल वॉल। राइट, अब हम लोग जब प्रेस करते हैं इसको अगेंस्ट द बोन तो हमें क्या फील होता है, हल्का सा मॉडरेट प्रेशर इस पे अप्लाई करके हमें जो फ्लो ऑफ ब्लड है
ठीक है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इंडिकेशन मिल जाती है कि वो फास्ट चल रहा है कि वो स्लो चल रहा है, ठीक है। और आगे क्या है, द टेंशन द आर्टरी वॉल शुड फील सॉफ्ट एंड प्लाइंट अंडर द फिंगर्स, ठीक। प्रेशर कितना एग्जर्ट करना है, टेंशन कितना प्रोवाइड करना है, हल्का सा जो हमारी फिंगर्स है उसके साथ सॉफ्टली हमको प्रेस करना है, राइट। इन हेल्थ द पल्स रेट एंड द हार्ट रेट आर आइडेंटिकल, ठीक है, ये दोनों एक ही होते हैं, ठीक। इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस द पल्स रेट मे बी लेस देन हार्ट रेट, ठीक है। अब नॉर्मली क्या होता है, ठीक है, इनका जो रेट है, ठीक है, हार्ट रेट और पल्स रेट है, ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्मली सेम होता है, बट कई केसेस में क्या हो जाता है, जो पल्स है, ठीक है, वो हार्ट रेट से कई बारी कम मिलती है। दिस में अकर इफ द आर्टरी सप्लाइंग द पेरिफेरल टिश्यूज आर नैरोड और ब्लॉक्ड एंड देयरफॉर इज नॉट पम्प थ्रू देम विथ ईच हार्ट बीट, ठीक है, ठीक है। और ये जो पल्स रेट है इसके कम होने के कब चांसेस होते हैं, जब जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो नैरो होती हैं या फिर कई बार ब्लॉक हो जाती हैं और जो ब्लड है, ठीक है, उनमें से अच्छी तरह से ब्लड नहीं पम्प हो पाता है, ठीक है। आगे है फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट एंड पल्स रेट। अब और कौन से फैक्टर्स है जो हार्ट रेट और पल्स रेट को करेंगे, सिमिलरली वही फैक्टर्स है सेम, जेंडर, ऑटोनॉमिक नर्व एक्टिविटी, एज, सर्कुलेटिंग हॉर्मोन्स, एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, टेम्परेचर, बैरोसेप्ट रिफ्लेक्स एंड इमोशनल स्टेट्स, राइट। आगे बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। अब हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है और दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन से हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन से। This is the circulation of blood from the right ventricle of the heart to the lungs and back to the left atrium. ठीक है, हमने पीछे भी पढ़ा है flow of blood या फिर blood circulation में कि क्या होता है, कि जो blood है, ठीक है, वो right ventricle से होता हुआ, ठीक है, lungs तक जाता है through the pulmonary artery और फिर purify होके left atrium के पास वापस आ जाता है with the help of the pulmonary veins, ठीक है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, ठीक। इन lungs, अब होता क्या है lungs में, कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सक्रीटेड एंड ऑक्सीजन इज एब्सॉर्ब, ठीक है। अब लंग्स में जाके क्या होता है, जो ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक्सक्रीट हो जाती है और ब्लड क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। द पल्मोनरी आर्टरी और ट्रंक कैरिंग डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पासिस अपर्स एंड डिवाइड इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टीब्रा, ठीक है। अब जो पल्मोनरी ट्रंक है या आर्टरी है, ठीक है, जो हमने पीछे डायग्राम में देखी थी, ठीक है, वो क्या कैरी करती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो कि राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में जाके डिवाइड हो जाती है, ठीक है, और एक एक जो आर्टरी वो लंग्स में चली जाती है, ठीक है। द लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी रन्स टू द रूट ऑफ द लेफ्ट लंग वेयर इट डिवाइड्स इनटू टू ब्रांच वन पासिंग इनटू ईच लंग, ठीक है। जो लेफ्ट साइड वाली पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, वो क्या करती है, लेफ्ट लंग के अंदर चली जाती है, ठीक है, वहां दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, वन पासिंग इनटू ईच लोब, ठीक है, हर एक लोब में, अपर एंड लोअर लोब में, ठीक है, इनकी जो ब्रांचेस है वो फैल जाती है। आगे देखो डायग्राम में आप देख सकते हो, ठीक है, कि कैसे है जो पल्मोनरी आर्टरीज उसकी ब्रांचेस फैली हुई है, ठीक है। आगे है द राइट पल्मोनरी आर्टरी पासिस टू द रूट ऑफ द राइट लंग एंड डिवाइड्स इनटू टू ब्रांचेस, ठीक है। सिमिलरली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी की तरह जो राइट पल्मोनरी आर्टरी वो भी लंग के अंदर जाके क्या है, ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। द लार्जर ब्रांच कैरीज ब्लड टू द मिडिल एंड द लोअर लोब्स एंड द स्मॉलर ब्रांच कैरीज ब्लड टू द अपर लोब, ठीक है। जो बड़ी वाली ब्रांच होगी, ठीक है, वो किसको कैरी करेंगी, ब्लड किसको सप्लाई करेंगी, मिडिल और लोअर लोब्स की तरफ, और जो स्मॉलर ब्रांच होगी वो ऊपर वाली लोब को ब्लड सप्लाई करेगी विद इन द लंग। अब लंग के अंदर क्या होता है, दीज आर्टरी डिवाइड एंड सब डिवाइड इंटू स्मॉलर कैपिलरीज, आर्टीरियोल्स एंड आर्टरीज, ठीक है, ठीक है। अब लंग्स में क्या हो गए, जो आर्टरीज हैं ये डिवाइड कर जाती हैं इनटू आर्टीरियोल्स एंड कैपिलरीज, राइट। इनके बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड एयर इन द एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स, ठीक है। अब जो गैशियस एक्सचेंज है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट होना और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होना, वो कैसे होगा, जो कैपिलरी ब्लड प्रेजेंट है, जिन जो कैपिलरीज में प्रेजेंट है एंड जो एयर है एल्वियोलाई में, उनके बीच जो एक्सचेंज है, ठीक है, ये टेक प्लेस करता है। आगे है इन ईच लंग द कैपिलरीज कंटेनिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड जॉइन अप एंड इवेंचुअली फॉर्म टू पल्मोनरी वेंस, ठीक है। अब हर एक लंग में क्या होता है, ये जो कैपिलरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, ज्वाइन करती हैं और दो पल्मोनरी वेंस फॉर्म करती हैं, ठीक। टू पल्मोनरी वेंस लीव ईच लंग रिटर्निंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब ये क्या करती हैं पल्मोनरी वेंस, ठीक है, ये लेफ्ट एट्रियम को ज्वाइन करती है और क्या करती हैं, सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हार्ट को रिटर्न कर देती हैं इन द लेफ्ट एट्रियम, ठीक। ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, दिस ब्लड इज पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इट इज फोर्स्ड इनटू द एओर्टा द फर्स्ट आर्टरी ऑफ द जनरल सर्कुलेशन, राइट। एट्रियल सिस्टोल के दौरान यानी कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, जो ये सारा लेफ्ट एट्रियम से ब्लड है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो वेंट्रिकल की तरफ चला जाएगा लेफ्ट साइड वाली, और वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे
तो वो फोर्स होके किस में चला जाएगा, आयोटा में चला जाएगा, और आयोटा से सारा जनरल सर्कुलेशन में एंटर कर जाएगा। ठीक, आगे हम बात करते हैं सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, अब बात करेंगे सिस्टमिक और जनरल सर्कुलेशन। ठीक, द एओटा, सबसे पहले हम बात करेंगे एओटा के बारे में। द एओटा बिगिंस एट द अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड आफ्टर पासिंग अपवर्ड्स फॉर अ शॉर्ट वे इट आर्चेस बैकवर्ड एंड टू द लेफ्ट। ठीक है, एओटा की बिगनिंग कहाँ से होती है, हम जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ से होती है, क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो सारा तभी एओटा में जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होते हुए ऊपर की तरफ जाती है, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, और आर्चेस बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट। ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ होते होते हार्ट के पीछे की तरफ से नीचे की तरफ आती है। ठीक है, आप डायग्राम में देखो, इट देन डिसेंड्स बिहाइंड द हार्ट, हार्ट के पीछे तक जाती है थ्रू द थोरैसिक कैविटी। ठीक है, एट द लेवल ऑफ 12 थोरैसिक वर्टिब्रा इट पासिस बिहाइंड द डायफ्राम देन डाउनवर्ड्स इन द एब्डोमिनल कैविटी टू द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा वेयर इट डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। अब जब ये 12th लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा के पास पहुंचती है तो ये क्या करती है, डायफ्राम के पीछे से होते हुए नीचे की तरफ आती है इनटू द एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, और एब्डोमिनल कैविटी में कहाँ तक आती है, 4th लंबर वर्टिब्रा तक आती है, और जहाँ पे ये डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, डायग्राम में नीचे देखो दो पार्ट्स में, सबसे एंड में देखो डिवाइड हो रही है ये। ठीक है, इनटू द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज। ठीक, डायग्राम देख सकते हो आप। ठीक है, कैसे ये पहले लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलते हुए ऊपर की तरफ आर्च कर रही है, फिर कैसे पीछे से जाके हार्ट से नीचे की तरफ एब्डोमिनल कैविटी में आ रही है, और एब्डोमिनल कैविटी में जाके ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है कॉमन इलियक आर्टरीज, जो कि लेफ्ट और राइट साइड में डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, आगे है थ्रू आउट इट्स लेंथ द आयोटा गिव्स ऑफ न्यूमरस ब्रांचेस। ठीक है, जैसे ही ये इतनी जर्नी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, ये क्या करती है, सभी जगह जहां जहां से ये ट्रैवल कर रही है अपनी अपनी ब्रांचेस को छोड़ते हुए जा रही है, और वहां वहां जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है हार्ट के थ्रू जो पंप आउट हो रहा है उसको बांटती हुई जा रही है। द आयोटा विल बी डिस्क्राइब्ड हियर अकॉर्डिंग टू इट्स लोकेशन। ठीक है, आयोटा को इसकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ा है हमने थोरैसिक एओटा, ठीक है, जो डायफ्राम के पीछे से हमने बात की थी कि जाके फिर एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाता है, जब एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर जाएगा उसको हम एब्डोमिनल एओटा बोलते हैं। ठीक, नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोरैसिक एओटा। दिस इज द पार्ट ऑफ एओटा लाइज अबव द डायफ्राम एंड इज डिस्क्राइब्ड इन थ्री पार्ट्स। ठीक है, अब ये कौन सा पार्ट है एओटा का, ठीक है, जो कि डायफ्राम के ऊपर वाला होता है, और इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। असेंडिंग एओटा, ठीक है, असेंडिंग एओटा कौन सा है, जो बिल्कुल लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होता है पंप होकर ऊपर की तरफ जाता है, वो जो ऊपर ये जो आर्च दिख रही है आपको जहाँ पे लिखा हुआ है डायग्राम में आर्च, ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट है असेंडिंग एओटा, इसको बोलते हैं हम लोग जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होता है, फिर तो है आर्च ऑफ एओटा। ठीक है, फिर जब ये नीचे की तरफ मुड़ती है ये पाइपलाइन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एओटा इन द थोरैक्स। ठीक, आगे देखो क्या है, असेंडिंग एओटा के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहले, दिस इज द शॉर्ट सेक्शन ऑफ द एओटा दैट अराइजेस फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा है उसी एओटा का, ठीक है, जो हार्ट की तरफ से उभर कर ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, असेंडिंग एओटा। इट इज अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लाइज बिहाइंड द स्टर्नम। ठीक है, इसकी पोजीशन कहाँ है, स्टर्नम के पीछे है, और ये लगभग 5 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट है इसकी हाइट। द राइट एंड द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज आर इट्स ओनली ब्रांचेस एंड दे राइज फ्रॉम द एओटा जस्ट अबव द लेवल ऑफ एओटिक वॉल्व। ठीक, जो ये राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज हैं जिनके बारे में हमने पीछे कोरोनरी सर्कुलेशन में पढ़ा है, ठीक है, ये क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं एओटा की, वो ब्रांचेस हैं। ठीक है, और ये एओटा से ही फॉर्म होती हैं। ठीक है, जस्ट अबव द लेवल ऑफ एओटिक वॉल्व, एओटिक वॉल्व है जहाँ नीचे इसकी ओपनिंग है। ठीक है, जहाँ पे इसका माउथ है वहाँ पे एओटिक वॉल्व होता है प्रेजेंट, वो ओपन होता है तो ही लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड अंदर एंटर करता है, अगर वो बंद हो तो नहीं एंटर कर पाता है। ठीक है ना, तो वहां से क्या है, ये अपनी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, ठीक उसी पार्ट से दीज इंपॉर्टेंट आर्टरीज सप्लाई द मायोकार्डियम। ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टरीज है किसको सप्लाई करती है, मायोकार्डियम को सप्लाई करती है। बात करते हैं आर्च ऑफ एओटा की। द आर्च ऑफ एओटा इज अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द असेंडिंग एओटा। ठीक है, अब जो असेंडिंग एओटा का ऊपर वाला पार्ट है जो आर्च बना रहा है उसको हम बोलते हैं आर्च ऑफ एओटा। इट बिगिंस बिहाइंड द मैन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम एंड रन्स अपवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, अब जहाँ पे स्टर्नम है, जहाँ पे उसका जॉइंट है बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, ये उसके पीछे से होता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है आर्च ऑफ एओटा एंड टू द लेफ्ट इन द फ्रंट ऑफ ट्रेकिया। ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर जाके ट्रेकिया के बिल्कुल फ्रंट पे है इसकी लोकेशन। इट देन पासिस डाउनवर्ड्स टू द लेफ्ट ऑफ द ट्रेकिया एंड इज कॉन्टिन्यूस विद डिसेंडिंग एओटा। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ठीक है, वहां से ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द ट्रेकिया एंड इज कॉन्टिन्यूस विद द डिसेंडिंग एओटा। ठीक है, आज हल्का सा
बेंट होके, ठीक है, ट्रेकिया के सामने तक होते हुए जहां तक है वहां तक हम बोलेंगे आर्च ऑफ एओर्टा। ट्रेकिया के नीचे फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग एओर्टा, यानी कि अभी ये डिसेंड कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, थ्री ब्रांचेस आर गिवन ऑफ फ्रॉम इट्स अपर एस्पेक्ट। अब ऊपर आप देख सकते हो, हम लोग हर बार ड्रॉ करते हैं डायग्राम एओर्टा के ऊपर, थ्री ब्रांचेस हम बनाते हैं, उनका नाम क्या क्या है, ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी और ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी इज अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासिस ऑब्लिकली अपवर्ड्स बैकवर्ड्स एंड टू द राइट। ठीक है, अब ये जो ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है डायग्राम में देखो आप, ठीक है, ये क्या है, ये राइट साइड पे है आर्टरी, जो ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी है। ठीक है, ये 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और थोड़ी सी तिरछी है, टेढ़ी है, ऑब्लिक है, ठीक, पीछे की तरफ है और थोड़ी सी राइट साइड पे है। ठीक, एट द लेवल ऑफ द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट इट डिवाइड्स इनटू द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड द राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, आगे जाके आप देखो डायग्राम में ही आप देख सकते हो कि ये एट द लेवल ऑफ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है, स्टर्नम और क्लेविकल्स का जहां पे जॉइंट है वहां जाके ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी डायग्राम में देखते रहिए एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, यही ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी आगे जाके स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट के पास जाकर फिर ये दो भागों में बंट जाती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी। क्लियर, आगे देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द हेड एंड नेक। ठीक है, अब हेड एंड नेक में कैसे सर्कुलेशन होता है, जब भी हार्ट जो ब्लड को पंप करता है वो कैसे पहुंचता है हेड एंड नेक की तरफ, लेट्स स्टडी। आर्टीरियल सप्लाई की बात करेंगे हम सबसे पहले। द पेयर्ड आर्टरीज सप्लाइंग द हेड एंड नेक आर द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज एंड द वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब नेक एंड हेड को दो आर्टरी सप्लाई कर रही हैं, कौन सी है, कैरोटिड आर्टरीज एंड वर्टिब्रल आर्टरीज। ठीक है, अब बात करते हैं कैरोटिड आर्टरीज की। द राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी। ठीक है, अब ये जो कैरोटिड आर्टरी हम पीछे ही पढ़ के हटे हैं, ये किसकी ब्रांच है, मेन ब्रांच किसकी है, ये ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी की है। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी अराइजेस डायरेक्टली फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा। ठीक है, अब जो लेफ्ट साइड वाली है कैरोटिड आर्टरी वो डायरेक्टली आर्च ऑफ एओर्टा से राइज हो रही है। ठीक है, दे पासिस अपवर्ड्स ऑन ईदर साइड ऑफ द नेक एंड हैव द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन ईच साइड। ये नेक के दोनों तरफ इक्वल जैसी हैं और इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है। ठीक है, इक्वल लेंथ है, आप डायग्राम में देख सकते हो कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, फिर एक्सटर्नल और इंटरनल अलग से है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं, द कॉमन कैरोटिड आर्टरीज आर एम्बेडेड इन द फेशिया कॉल्ड द कैरोटिड शीट। ठीक है, अभी जो कैरोटिड आर्टरीज है ये कौन से मसल्स में, कौन से फेशिया में एम्बेडेड है, उनको हम कैरोटिड शीथ बोलते हैं। ईच डिवाइड्स इंटू इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, हमने डायग्राम में पीछे देखा है इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी में आगे जाके बंट जाती है। ठीक, अब बात करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ये क्या होता है, सप्लाईज द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द हेड एंड नेक वाया नंबर ऑफ ब्रांचेस। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है वो सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ द हेड एंड नेक को ही सप्लाई करती हैं। ठीक है, इनकी नंबर ऑफ ब्रांचेस होती है, अब देखते हैं कौन सी है। सबसे पहले है सुपीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है, अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि ये किसको सप्लाई कर रही है, सप्लाई द थायराइड ग्लैंड एंड एडजेसेंट मसल्स। ठीक है, जो सुपीरियर थायराइड आर्टरी है ये थायराइड ग्लैंड को सप्लाई कर रही है और उसके साथ के एडजेसेंट मसल्स को सप्लाई कर रही है। आगे है लिंगुअल आर्टरी, अगेन नेम इज इंडिकेटिंग कि ये किसको सप्लाई करेगी, टंग को सप्लाई कर रही है, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द स्ट्रक्चर्स इन द फ्लोर ऑफ द माउथ, टॉन्सिल एंड एपिग्लॉटिस। क्लियर, आगे है फेशियल आर्टरी, पासिस आउटवर्ड्स ओवर द मैंडिबल जस्ट इन द फ्रंट ऑफ द एंगल ऑफ द जॉ एंड सप्लाईज द मसल्स ऑफ द फेशियल एक्सप्रेशन एंड स्ट्रक्चर्स इन द माउथ, द पल्स कैन बी फेल्ट वेयर द आर्टरी क्रॉसेस द जॉबोन। ठीक है, फेशियल आर्टरी इन सारी जगहों को, माउथ को ये सप्लाई कर रही है। ठीक है, फेस को सप्लाई कर रही है। ठीक है, आगे देखो ऑक्सीपिटल आर्टरी सप्लाइज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, जहां पे ऑक्सीपिट प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो आर्टरी ऑक्सीपिटल ये वहां पे सप्लाई कर रही है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ स्कैल्प पे। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी जहां पे हमारी टेम्पोरल रीजन है, ठीक है, ये वहां पे सप्लाई करेंगी। ठीक है, द टेम्पोरल आर्टरी पासिस अपवर्ड्स ओवर द जाइगोमैटिक प्रोसेस इन द फ्रंट ऑफ द ईयर एंड सप्लाइज द फ्रंटल टेम्पोरल एंड पेराइटल पार्ट्स ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, टेम्पोरल आर्टरी कहां कहां सप्लाई कर रही है, इन द फ्रंट ऑफ द ईयर, ठीक है, फ्रंटल टेम्पोरल एंड पेराइटल पार्ट्स ऑफ द स्कैल्प। ठीक है, इन सबको टेम्पोरल आर्टरी सप्लाई कर रही है। आगे द पल्स कैन बी फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, जब भी हमने टेम्पोरल आर्टरी के बारे में पता करना हो तो अपर पार्ट ऑफ द ईयर पे हल्का सा हाथ रखेंगे, फिंगर्स रखेंगे, तो हमें पल्स जो है पल्सेट करती हुई फील होगी। ठीक है, आगे देखो मैक्सिलरी आर्टरी
सप्लाइज द मसल्स ऑफ मास्टिकेशन. मास्टिकेशन क्या होता है? जो हमारा च्यूइंग प्रोसेस होता है, ठीक है. एंड अ ब्रांच ऑफ दिस आर्टरी द मिडिल मेनिंजियल आर्टरी रन बी टू सप्लाई स्ट्रक्चर्स इन द इंटीरियर ऑफ द स्कल, ठीक है. अभी जो मैक्सिलरी आर्टरी है ये मसल्स ऑफ मास्टिकेशन को सप्लाई करती हैं, ठीक है. और इसी की जो ब्रांच है वो कहाँ? मेनिंजियल आर्टरी को सप्लाई करती हैं, ठीक है. जो डायरेक्टली डीप इनसाइड द स्कल में जाके प्लेस हो जाती हैं और उसके इंटीरियर को सप्लाई करती हैं. क्लियर. आगे बात करते हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. ये तो हमने पढ़ा था एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के बारे में, ठीक है. हम बात करते हैं अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की. दिस इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सर्कुलस आर्टीरियोसिस, यानी कि सर्कल ऑफ विलिस, विच सप्लाइज अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है. डायग्राम में आप देखो सर्कल ऑफ विलिस कहाँ है, ये ब्रेन की आर्टरीज है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ विलिस या सर्कुलस आर्टीरियोसिस, ठीक है. ये ग्रेटर पार्ट ऑफ द ब्रेन को, ये मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करती हैं. इट ऑल्सो हैज ब्रांचेस दैट सप्लाई द आईज, फोरहेड एंड नोज, ठीक है. इसी की ब्रांचेस है आगे जो फर्दर किसको सप्लाई कर रही हैं? आईज, फोरहेड एंड नोज को. इट असेंड्स टू द बेस ऑफ द स्कल एंड पासिस थ्रू द कैरोटिड फोरमेन इन द टेम्पोरल बोन, ठीक है. अभी आगे कहाँ पे ऊपर असेंड करती हैं? बेस ऑफ द स्कल को कवर करती हैं, ठीक है. और वहां से कैरोटिड फोरमेन के थ्रू इन द टेम्पोरल बोन, ठीक है. जो हमारी टेम्पोरल बोन है ये वहां तक बेस ऑफ द स्कल से लेके टेम्पोरल बोन्स तक ये उसको सप्लाई करती है, ठीक है. फोर लार्ज आर्टरीज कंट्रीब्यूट टू इट्स फॉर्मेशन. अब इसकी फॉर्मेशन में कितनी आर्टरीज लगती हैं? फोर लार्ज आर्टरीज लगती हैं, ठीक है. कौन सी है? टू इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज एंड टू वर्टिब्रल आर्टरीज, ठीक है. आगे बात करते हैं हम वीनस रिटर्न फ्रॉम हेड एंड नेक. ये तो बात की हमने सारी सप्लाई की कि कौन कौन सप्लाई कर रहे हैं इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल को, ठीक है. अब हम बात करेंगे वीनस रिटर्न कैसे होता है फ्रॉम हेड एंड नेक, ठीक है. लेट्स सी. द वीनस ब्लड फ्रॉम द हेड एंड नेक इज रिटर्न बाय डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है. हेड एंड नेक से कैसे होता है वीनस रिटर्न? विद द हेल्प ऑफ डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स. सुपरफिशियल वेन्स विद द नेम एज द ब्रांचेस ऑफ द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रिटर्न वीनस ब्लड फ्रॉम द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द फेस एंड स्कैल्प एंड यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म द एक्सटर्नल जिगुलर वेन, ठीक है. अब जो भी हमने एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जो उनके नाम है, जैसे कोई फेशियल आर्टरी है, कोई मैक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है. अब सिमिलरली उसी की तरह कौन से होंगे? जैसे सुपीरियर थायराइड वेन, लिंगुअल वेन, फेशियल वेन, ऑक्सीपिटल वेन, टेम्पोरल वेन, मैक्सिलरी वेन, ठीक है. अब जिसके जिसके पीछे हमने आर्टरी लगाया था, ठीक है, वीनस रिटर्न में हम सब उसके पीछे वेन लगा देंगे, ठीक है. और ये जो वेन्स हैं ये यूनाइट होके क्या बनाती हैं? जुगलर वेन बनाती हैं. द एक्सटर्नल जुगलर वेन बिगिंस इन द नेक एट द लेवल ऑफ द एंगल ऑफ जॉ, ठीक है. ठीक है, जो एक्सटर्नल जुगलर वेन है, ठीक है, ये कहाँ से बिगिन होती है? जो हमारा जॉ का एंगल है, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है और नेक की तरफ एक्सटेंड करती है, ठीक है. द वीनस ब्लड फ्रॉम द डीप एरियाज ऑफ ब्रेन इज कलेक्टेड इन टू चैनल्स कॉल्ड द ड्यूरल वीनस साइनसिस. वीनस ब्लड है डीप एरियाज ऑफ द ब्रेन से, ठीक है, ये कैसे कलेक्ट होता है? विद द हेल्प ऑफ ड्यूरल वीनस साइनसिस, ठीक है. द ड्यूरल वीनस साइनसिस ऑफ द ब्रेन आर फॉर्म बाय द लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर लाइन विद द एंडोथेलियम, ठीक है. अब ये जो ड्यूरल वीनस साइनसिस है, ठीक है, ये कैसे बना हुआ है, ठीक है, लेयर्स ऑफ ड्यूरा मैटर है, ये हम लोग नर्वस सिस्टम में डिस्कस करेंगे, ठीक है, और एंडोथेलियम इसकी कवरिंग है. अब आगे देखते हैं द मेन वीनस साइनसेस आर लिस्टेड बिलो. कौन से सुपीरियर सैजिटल साइनस एंड इन्फीरियर सैजिटल साइनस, ठीक है. ट्रांसवर्स सैजिटल साइनस दैट बिगिंस इन द ऑसिपिटल रीजन, जो पीछे की तरफ होते हैं, ट्रांसवर्स टाइप्स होते हैं. और जो सिग्मॉइड साइनसेस आर कॉन्टिन्यूशन ऑफ द ट्रांसवर्स साइनसेस, ठीक. Each curves down and medially and lies in the groove in the mastoid process of the temporal bone. ठीक. आगे क्या है? The internal jugular vein begin at the jugular foramina in the middle cranial fossa. ठीक है. अभी जो internal jugular veins है कहाँ से start होती हैं? Jugular foramina में से start होती है, जो कि middle of the cranial fossa है. ठीक. Behind the clavicle, अब clavicle के पीछे they unite with the subclavian veins carrying blood from the upper limbs to form the brachiocephalic veins. ठीक है. क्या है? बिहाइंड द क्लाविकल, ठीक है, क्लाविकल के पीछे ये जो इंटरनल जुगुलर वेन्स हैं, ठीक है, ये सबक्लेविन के साथ है, यूनाइट कर जाती हैं और क्या करती हैं? कैरी करती है ब्लड फ्रॉम द अपर लिम्स टू फॉर्म द ब्रेकियोसेफलिक वेन्स, ठीक. अब ब्रेकियोसेफलिक वेन्स कहाँ सिचुएटेड होती है? वन ऑन द ईच साइड इन द रूट ऑफ द नेक, ठीक. आगे है इट इज फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ इंटरनल जुगुलर एंड द सबक्लेवियन वेन्स, ठीक है. अब ये जो है जो ब्रेकियोसेफलिक वेन्स है ये कैसे बनती है? विद द यूनियन ऑफ इंटरनल जुगुलर वेन प्लस सबक्लेवियन वेन्स मिलकर क्या बनाती है? ब्रेकियोसेफलिक वेन्स को बनाती है, ठीक. द लेफ्ट ब्रेकियोसेफलिक वेन इज लॉन्गर दैन द राइट, ठीक है, जो लेफ्ट वाली है वो लॉन्गर होती है राइट की कंपेरेटिवली, एंड इट ज्वाइंस द राइट ब्रेकियोसेफलिक वेन टू फॉर्म द सुपीरियर वीना केवा, ठीक है. और ये राइट को ज्वाइन करती है ब्रेकियोसेफलिक वेन को टू फॉर्म द
superior vena cava. ठीक है, the superior vena cava which drains all the venous blood from the head, neck and upper limbs is about 7 cm long, right? जो superior vena cava है, ठीक है, जो सारा venous blood supply लेके जाती है towards the heart from the head, neck and upper limbs, उसकी length कितनी है? 7 cm long है. It passes downwards along the right border of the sternum and ends in the right atrium of the heart. ठीक है, हमें पता है कि जो superior vena cava है, ठीक है, वो right border of the sternum से लेके नीचे की तरफ पास आउट हो रही होती है और राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट तक होती है, वो एंड होती है वहां पे. ठीक, अब हम बात करते हैं सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड टू द अपर लिम्ब. ठीक है, पहले हमने पढ़ा था हेड एंड नेक के बारे में. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन इन द अपर लिम्ब्स. ठीक है, अगेन वी विल स्टार्ट विद द आर्टेरियल सप्लाई, फिर हम इसमें वीनस सप्लाई भी पढ़ेंगे. ठीक है, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई कौन करवा रहा है? सबक्लेवियन आर्टरीज करवाती हैं. देखते हैं सबक्लेवियन आर्टरीज क्या है. द राइट सबक्लेवियन आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, द लेफ्ट ब्रांचेस फ्रॉम द आर्च ऑफ एओर्टा. ठीक है, हमने पीछे पढ़ा था कि जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्टली कहां से होती है? ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी से अराइज करती है, और जो लेफ्ट ब्रांच है इसकी वो आर्च ऑफ एओर्टा से डायरेक्टली अराइज करती है. ठीक है, दे आर स्लाइटली आर्च्ड. ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो. पास बिहाइंड द क्लाविकल्स एंड ओवर द फर्स्ट रिब्स बिफोर एंटरिंग द एक्सिला वेयर दे कंटिन्यू एज एक्सिलरी आर्टरीज. ठीक है, ये क्या करती हैं जो सबक्लेवियन आर्टरीज हैं? ठीक है, ये स्लाइटली आर्च्ड होती हैं और ये क्लाविकल्स के पीछे से पास होकर, ठीक है, फर्स्ट रिब्स तक पहुंचती है और जहां से ये एक्सिला की तरफ एंटर होती है फिर वहां से. ठीक है, और वहां पे ये एक्सिलरी आर्टरीज के नाम से पहचानी जाती हैं. ठीक है, आप डायग्राम में सारा देख सकते हो. एक्सिलरी आर्टरी कहाँ है, ब्रेकियल कहाँ है, रेडियल अल्नर कहाँ है, इनके बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे. ठीक, अब आगे है बिफोर एंटरिंग द एक्सिला. एक्सिला में एंटर करने से पहले ईच सबक्लेवियन आर्टरी गिव्स ऑफ टू ब्रांचेस. ठीक है, जो हर सबक्लेवियन आर्टरी है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है. आप डायग्राम में देखो, द वर्टिब्रल आर्टरी एंड द इंटरनल थोरेसिक आर्टरी. ठीक है, द वर्टिब्रल आर्टरी विच पासिस अपवर्ड टू सप्लाई द ब्रेन एंड इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज विच सप्लाई द ब्रेस्ट एंड नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स इन द थोरेसिक कैविटी. ठीक है, तो वर्टिब्रल आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है? अपवर्ड जाके ब्रेन को सप्लाई कर रही है, और जो इंटरनल थोरेसिक आर्टरीज है वो ब्रेस्ट को, ठीक है, और वहां के नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स जो है थोरेसिक कैविटी को, उसको सप्लाई करती है. ठीक, अब बात करते हैं एक्सिलरी आर्टरी की. इट इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी एंड इट लाइज इन द एक्सिला. द फर्स्ट पार्ट लाइज डीपली, देन इट रन्स मोर सुपरफिशियली टू बिकम द ब्रेकियल आर्टरी. राइट, अभी जो एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है, अब जो एक्सिला के नीचे जो रन कर रही है, ठीक है, ये किसकी कॉन्टिन्यूशन है? हम जानते हैं कि सबक्लेवियन आर्टरी की ही कॉन्टिन्यूशन है. ठीक है, और ये एक्सिला में प्रेजेंट होती है. ठीक है, पहले पहले ये डीपली अंदर जाती हैं, ठीक है, इनटू द एक्सिला, फिर ये सुपरफिशियली रन करने लग जाती हैं ताकि ये ब्रेकियल आर्टरी को फॉर्म कर सके. आप डायग्राम में ब्रेकियल आर्टरी देख सकते हो. ठीक, आगे बात करते हैं, द ब्रेकियल आर्टरी इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी. अभी ब्रेकियल आर्टरी है ये किसकी कॉन्टिन्यूशन है? एक्सिलरी आर्टरी की है. ठीक है, पहले डीपली जाती है एक्सिला में, फिर ये सुपरफिशियली रन करने लग जाती है, तो वो ब्रेकियल आर्टरी इसको फॉर्म करती है. ठीक, इट रन्स डाउन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द अपर आर्म, पासिस टू द फ्रंट ऑफ द एल्बो एंड एक्सटेंड्स टू अबाउट 1 cm बिलो द जॉइंट वेर इट डिवाइड्स इनटू द रेडियल एंड अल्नर आर्टरीज. ठीक है, अब ये क्या करती हैं जो ब्रेकियल आर्टरी होती है? ये सेंटर मिडल में अपर आर्म के रन करती हैं. ठीक है, और एल्बो के फ्रंट से होते हुए, ठीक है, ये नीचे अबाउट 1 cm जॉइंट तक ये पहुंचती हैं, जहां जाकर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है रिस्ट के पास जाके, रेडियल आर्टरीज और अल्नर आर्टरीज. ठीक है, डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियल आर्टरी कहाँ है और अल्नर आर्टरी कहाँ है. क्लियर है, आगे देखो, द रेडियल आर्टरी पासिस डाउन द रेडियल और द लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म टू द रिस्ट. ठीक है, अब रेडियल आर्टरी कहाँ की तरफ होती है? लेटरल साइड ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, जो बिल्कुल हमारे थंब के साथ कॉन्टिन्यूशन में है उसको हम बोलते हैं रेडियल आर्टरी. ठीक है, जस्ट अबव द रिस्ट, इट लाइज सुपरफिशियली एंड कैन बी फेल्ट इन द फ्रंट ऑफ द रेडियस एज द रेडियल पल्स. ठीक है, अब ये क्या है? बिल्कुल रिस्ट के ऊपर है, सुपरफिशियली लाई करती है, और हम इसको रेडियस के पास फील कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रेडियल पल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, द आर्टरी देन पासिस बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल बोन्स एंड एंटर्स द पाम ऑफ द हैंड. फिर यही आर्टरी क्या है? फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाकार्पल बोन्स के बीच में से होती हुई ये पाम में एंटर करती है. ठीक है, और जो अल्नर आर्टरी है वो हमारी लिटिल फिंगर की तरफ होती है. द अल्नर आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स ऑन द अल्नर और द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म टू क्रॉस द रिस्ट एंड पास इनटू द हैंड. ठीक है, अभी जो अल्नर आर्टरी है ये कहाँ है? हम बात करेंगे इसको, लिटिल फिंगर की तरफ होती है जो अल्नर आर्टरी होती है. ठीक है, ये जनरली मिडिल एस्पेक्ट में रन कर रही होती है फोरआर्म के नियर बाय द रिस्ट. ठीक है, फिर ये हैंड में भी एक्सटेंड कर जाती है. ठीक, देयर आर एनास्टमोसिस बिटवीन द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरीज कॉल्ड द डीप एंड द सुपरफिशियल पामर आर्चेस फ्रॉम विच द पामर मेटाकार्पल
एंड पामर डिजिटल आर्टरीज अराइज टू सप्लाई द स्ट्रक्चर्स इन द हैंड एंड फिंगर्स. ठीक है, अब इनके बीच में एनास्टमोसिस होता है, यानी कि कनेक्शन होता है. अगर एक आर्टरी खराब हो जाए जैसे हमने पहले पढ़ा था, तो दूसरी जो ब्रांच ऑफ आर्टरीज उस पर्टिकुलर जगह पे सप्लाई करेंगी. ठीक है, तो रेडियल और अर्नल आर्टरीज के बीच में, ठीक है, कौन एनास्टमोसिस फॉर्म कर रहा है? डीप एंड सुपरफिशियल पामर आर्चेस. ठीक है, अब ये क्या है, ये सप्लाई करती है टू द स्ट्रक्चर ऑफ हैंड एंड फिंगर्स. ठीक, अब हम देखते हैं वीनस रिटर्न कौन कराता है अपर लिम्ब से. द वेन्स ऑफ द अपर लिम्ब आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, डीप वेन्स एंड सुपरफिशियल वेन्स. ठीक है, जो वीनस रिटर्न करा रही है अपर लिम्ब में, हम उनको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स में. द डीप वेन्स फॉलो द कोर्स ऑफ आर्टरीज एंड हैव द सेम वेन्स. ठीक है, ठीक है, अभी जो डीप वेन्स है, ठीक है, बिल्कुल आर्टरीज का ही कोर्स फॉलो करते हैं. जहां जहां से आर्टरीज एक्सटेंड करी है, वहां वहां के साथ साथ में डीप वेन्स है, और इनके नेम्स भी लगभग सेम ही है. ठीक है, जैसे पामर मेटाकार्पल वेन्स, डीप पामर वीनस आर्च, अल्नर एंड रेडियल वेन्स. ठीक है, ब्रेकियल वेन, एक्सिलरी वेन, सबक्लेवियन वेन. ठीक है, जिनको पहले हमने आर्टेरियल सप्लाई में आर्टरीज आर्टरीज पढ़ा है, अब वेन्स में उनका सेम नाम जो आर्टरीज से चेंज होके वेन पड़ जाएगा. ठीक है, आगे देखो. द सुपरफिशियल वेन्स बिगिन्स इन द हैंड एंड कंसिस्ट ऑफ. अब जो सुपरफिशियल वेन्स है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हैंड से स्टार्ट होती है. उनका नाम क्या है? सेफेलिक वेन. ठीक है, डायग्राम में देखो सेफेलिक वेन कहाँ पे है. बिगिन्स एट द बैक ऑफ द हैंड, देन वाइंड्स अराउंड द रेडियल साइड टू द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द फोरआर्म. ठीक है, ये पीछे से स्टार्ट होके फ्रंट की तरफ आ रही है. ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग द एल्बो जॉइंट, जब ये एल्बो जॉइंट क्रॉस कर लेती है, देन द सेफेलिक वेन पासेस अप द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द आर्म एंड इन द फ्रंट ऑफ द शोल्डर टू एंड इन द एक्सिलरी वेन. ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ये जो सेफेलिक वेन है, जैसे ये एल्बो जॉइंट को क्रॉस करती है ऊपर की तरफ आते हुए, तो ये लेटरल एस्पेक्ट को पास करते हुए फ्रंट की तरफ आ जाती है और शोल्डर को ज्वाइन करती हैं. ठीक है, और वहां पे जब एक बार शोल्डर तक ये आ गई हैं, फिर ये एक्सिलरी वेन के साथ एंड हो जाती हैं. ठीक है, थ्रू आउट इट्स लेंथ इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द सुपरफिशियल टिश्यूज ऑन द लेटर एस्पेक्ट्स ऑफ द हैंड फोरआर्म एंड आर्म. ठीक है, अब इसकी पूरी लेंथ के दौरान, ठीक है, ये ब्लड कहाँ से रिसीव करती हैं? सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ हैंड फोरआर्म एंड आर्म. क्लियर, अब आगे बात करते हैं बेसिलिक वेन. ये तो हमने पढ़ लिया सेफेलिक वेन के बारे में, अब बात करते हैं बेसिलिक वेन के बारे में. द बेसिलिक वेन बिगिन्स एट द बैक ऑफ द हैंड ऑन द अल्नर एस्पेक्ट. ठीक है, लिटिल फिंगर के पास देखो, उधर वाली साइड जो है वो अल्नर साइड है. ठीक है, वहां पे ये जो बेसिलिक वेन है प्रेजेंट होती है एट द बैक ऑफ द हैंड. इट असेंड्स ऑन द मीडियल साइड ऑफ द फोरआर्म एंड अपर आर्म, देन जॉइंस द एक्सिलरी वेन. ठीक है, ये ऊपर की तरफ दौड़ती है मिडिल साइड से. ठीक है, और फोरआर्म को दौड़ते हुए अपर आर्म की तरफ आती है, और फिर ये डायरेक्टली एक्सिलरी वेन को ज्वाइन कर लेती है. इट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड फोरआर्म एंड आर्म. ठीक है, ये वेन जो है कहाँ कहाँ से ब्लड रिसीव करती है? मीडियल एस्पेक्ट, यानी मिडिल एस्पेक्ट ऑफ हैंड फोरआर्म एंड आर्म, यहाँ से ब्लड रिसीव करके ये डायरेक्टली एक्सिलरी वेन के पास ले जाती है. क्लियर, आगे बात करते हैं मीडियन वेन. मीडियन वेन का क्या काम है? इट इज अ स्मॉल वेन दैट इज नॉट ऑलवेज प्रेजेंट, ये हमेशा प्रेजेंट नहीं होती है. इट बिगिन्स एट द पामर सरफेस ऑफ द हैंड, ये पाम वाले सरफेस की तरफ होती है, एंड असेंड्स ऑन द फ्रंट ऑफ द फोरआर्म एंड एंड्स इन द बेसिलिक वेन और इन द मीडियन क्यूबिटल वेन. ठीक है, और ये क्या है, पाम से स्टार्ट होकर, ठीक है, असेंड करती हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, फोरआर्म के पास जाती हैं. ठीक है, और इनकी जो एंड होती है वो बेसिलिक वेन की तरफ होती है या फिर मीडियन क्यूबिटल वेन की तरफ होती है. ठीक है, डायग्राम में पिछले वाले में आप देख सकते हो मीडियल क्यूबिटल वेन कहाँ पे है. ठीक, आगे द ब्रेकियोसेफेलिक वेन. ठीक है, ब्रेकियोसेफेलिक वेन क्या है? इट इज फॉर्मड व्हेन द सबक्लेवियन एंड द इंटरनल जुगुलर वेन्स यूनाइट. ठीक है, हम पीछे पढ़ के हटे हैं, जब सबक्लेवियन एंड इंटरनल जुगुलर वेन्स आपस में यूनाइट करते हैं, ठीक है, तो ब्रेकियोसेफेलिक वेन फॉर्म होती है. देयर इज वन ऑन ईच साइड, दोनों तरफ एक एक है. द सुपीरियर वेना केवा इज फॉर्मड व्हेन द टू ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स यूनाइट टुगेदर. ठीक है, जब ये ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स दोनों इकट्ठी जुड़ जाती हैं, तब सुपीरियर वीना केवा फॉर्म होता है. इट ड्रेन्स ऑल द वीनस ब्लड फ्रॉम द हेड, नेक एंड द अपर लिम्स एंड टर्मिनेट इन द राइट एट्रियम. ठीक है, और ये जो सुपीरियर वीना केवा है, इसमें सारा वीनस ब्लड आता है हेड, नेक एंड अपर लिम्स से, और सारा जो वीनस ब्लड है वो एंटर कर जाता है राइट एट्रियम में. ठीक है, इट इज अबाउट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड पासिस डाउनवर्ड अलॉन्ग द राइट पॉर्टल ऑफ द स्टर्नम. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक, आगे बात करते हैं डिसेंडिंग एओर्टा इन द थोरैक्स. राइट, अब हमने असेंडिंग एओर्टा के बारे में पढ़ लिया, आर्च ऑफ एओर्टा के बारे में पढ़ लिया, अब हम एओर्टा का लास्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, डिसेंडिंग एओर्टा इन द थोरैक्स. राइट, दिस पार्ट ऑफ एओर्टा इज कॉन्टिन्यूस विद द आर्च ऑफ एओर्टा एंड बिगिन्स एट द लेवल ऑफ फोर्थ थोरैसिक वर्टीब्रा. ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा से नीचे आते हुए, ठीक है, फोर्थ लेवल ऑफ थोरैसिक वर्टीब्रा
से ये स्टार्ट होता है डिसेंडिंग एओर्टा, ठीक है, और एक्सटेंड करता है डाउनवर्ड्स टुवर्ड द 12th थोरासिक वर्टिब्रा एंड देन पासिस बिहाइंड द डायफ्राम टू बिकम द एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हुए डायफ्राम को जब ये क्रॉस कर जाता है तब ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक। आगे बात करते हैं, द ब्रांचेस ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा सप्लाई द ब्लड। अब ये जो ब्रांचेस है डिसेंडिंग एओर्टा क्या, ठीक है, ये कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई करते हुए जाता है। नंबर वन इज द ब्रोंकियल आर्टरीज। ब्रोंकियल आर्टरीज कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्रोंकाई में यानी कि लंग्स में, ठीक है। ईसोफेजियल आर्टरीज सप्लाइंग द ईसोफेगस। इंटरकोस्टल आर्टरीज, ठीक है, दैट रन अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द रिब्स सप्लाई द इंटरकोस्टल मसल्स एंड सम मसल्स ऑफ द थोरैक्स, स्किन, रिब्स एंड इट्स अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, इनको सप्लाई करती है इंटरकोस्टल आर्टरीज। आगे वीनस रिटर्न की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द वीनस रिटर्न फ्रॉम द ब्लड ऑर्गन्स इन द थोरैसिक कैविटी इज ड्रेन्ड इनटू द एजाइगस वेन, ठीक है। एजाइगस वेन क्या होता है, दिस इज द वेन दैट ड्रेन्स इनटू द सुपीरियर वीना केवा, इट कनेक्ट्स द सिस्टम्स ऑफ सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। जो एजाइगस वेन है, ठीक है, ये वो वेन है जो डायरेक्टली ड्रेन करती है इनटू द सुपीरियर वीना केवा और एक तरह का सिस्टम फॉर्म करती है बिटवीन द सुपीरियर वीना केवा एंड इन्फीरियर वीना केवा, राइट। हेमी एजाइगस वेन किसको बोलते हैं, इट हेल्प्स टू ड्रेन द लेफ्ट मीडियास्टिनम एंड लेफ्ट लोअर ईसोफेगस, ठीक है, ये लेफ्ट मीडियास्टिनम के पार्ट से और लेफ्ट लोअर ईसोफेगस से ब्लड लाके ड्रेन करती है ये वेन, ठीक है। सम ऑफ द मेन वेन्स दैट जॉइन देम आर द ब्रोंकियल ईसोफेजियल एंड इंटरकोस्टल वेन्स, राइट। अब बाकी बात करते हैं हम लोग एब्डोमिनल एओर्टा के बारे में, थोरासिक वाला हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, अब एब्डोमिनल एओर्टा की बात करते हैं। व्हाट इज एब्डोमिनल एओर्टा, इट इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ थोरासिक एओर्टा दैट एंटर्स द एब्डोमिनल कैविटी बाय पासिंग बिहाइंड द डायफ्राम एट द लेवल ऑफ 12th थोरासिक वर्टिब्रा, हमने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। जो एब्डोमिनल एओर्टा है ये थोरासिक एओर्टा की ही कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। जो डिसेंडिंग एओर्टा है वो नीचे की तरफ डिसेंड होके मतलब 12th थोरासिक वर्टिब्रा के लेवल को जब ये पास कर जाता है, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं इसको, ये एब्डोमिनल एओर्टा बन जाता है, यानी कि डायफ्राम को जब ये क्रॉस कर जाता है एट द लेवल ऑफ 12th थोरासिक वर्टिब्रा, ठीक है, इसको हम एब्डोमिनल एओर्टा बोलते हैं, आप देख सकते हो डायग्राम में। व्हेन इट डिसेंड्स टू द लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रा इट डिवाइड्स इनटू द राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज, ठीक है। जब ये एब्डोमिनल एओर्टा जो है ये लेवल ऑफ 4th लंबर वर्टिब्रे तक जब ये पहुंच जाता है, ठीक है, तब ये लेफ्ट एंड राइट इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एंड ब्रांचेस ऑफ एब्डोमिनल एओर्टा की अगर हम बात करते हैं तो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। पेयर्ड ब्रांचेस के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, कौन सी है पेयर्ड ब्रांचेस, इन्फीरियर फ्रेनिक आर्टरीज जो कि सप्लाई करती हैं डायफ्राम को, रीनल आर्टरीज जो कि सप्लाई करती हैं यूरिनरी सिस्टम को यानी कि किडनीज को एंड गिव्स ऑफ द ब्रांचेस टू द सुप्रा रीनल आर्टरीज टू सप्लाई द एड्रीनल ग्लैंड्स, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड्स को भी सप्लाई करती हैं। टेस्टिकुलर आर्टरीज हैं जो कि सप्लाई करती हैं टेस्टिस इन द मेल्स एंड ओवेरियन आर्टरीज है जो कि फीमेल ओवरीज को सप्लाई करती हैं, ठीक। द टेस्टिकुलर एंड द ओवेरियन आर्टरीज आर मच लॉन्गर देन द अदर पेयर्ड ब्रांचेस, ठीक। जो ये टेस्टिकुलर और ओवेरियन आर्टरीज है ये बाकी पेयर्ड ब्रांचेस से ज्यादा लंबी होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं अनपेयर्ड ब्रांचेस की, अनपेयर्ड ब्रांचेस में सबसे पहले कौन आता है, सीलिएक आर्टरी। इट इज अ शॉर्ट थिक आर्टरी अबाउट 1.25 सेंटीमीटर लॉन्ग, इट अराइजेस इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम एंड डिवाइड्स इनटू 3 ब्रांचेस, ठीक है। अब ये जो सीलिएक आर्टरी है ये छोटी और थिक आर्टरी होती है जिसकी हाइट होती है 1.25 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये कहाँ से अराइज करती है, इमीडिएटली बिलो द डायफ्राम और ये आगे 3 ब्रांचेस में बढ़ जाती हैं। सबसे पहले ब्रांच कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो सप्लाई करती है स्टमक को, स्प्लीनिक आर्टरी जो सप्लाई करती है स्प्लीन एंड पैनक्रियास को, हिपैटिक आर्टरी जो सप्लाई करती है लिवर को, गॉल ब्लैडर को एंड द पार्ट्स ऑफ द स्टमक, ड्यूडेनम एंड पैनक्रियास, राइट। आगे द सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, ठीक है, जो सप्लाई करती है स्मॉल इंटेस्टाइन को एंड प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, क्लियर। अब जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, ठीक है, वो किसको सप्लाई करती है, डिस्टल हाफ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है। प्रॉक्सिमल होता है जो पास वाला एरिया होता है, ठीक है, जो पास वाली लार्ज इंटेस्टाइन है सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के, ये उसको सप्लाई करेगी, ठीक है, और जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है वो दूर वाले एरिया ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन को उसको सप्लाई करती है एंड ऑल्सो द रेक्टम, क्लियर। आगे है वीनस रिटर्न फ्रॉम द एब्डोमिनल ऑर्गन्स। अब हम इसके वीनस रिटर्न के बारे में पढ़ेंगे। द इन्फीरियर वीना केवा इज फॉर्म्ड व्हेन द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन इलियक वेन्स जॉइन एट द लेवल ऑफ द बॉडी एट द 5th लंबर वर्टिब्रा, ठीक है। अभी जो इन्फीरियर वीना केवा ये कैसे फॉर्म होता है, जब राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक वेन्स जो है वो ज्वाइन करती है कौन से लेवल पे,
फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा के लेवल पे जब ये ज्वाइन करती हैं तो ये इंफीरियर वीना केवा को फॉर्म करती हैं, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी एंड इट कैरीज ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बिलो द डायफ्राम टू द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट, ठीक है। ये सबसे लार्जेस्ट वेन है बॉडी की और ये नीचे से सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये कैरी करके, ठीक है, ये कहाँ राइट एट्रियम की तरफ लेके आती हैं, ठीक है। पेयर टेस्टिक्यूलर ओवेरियन रीनल एंड एड्रेनल वेन्स जॉइन द इंफीरियर वीना केवा, ठीक है। ये सारी जो वेन्स है टेस्टिक्यूलर की, ओवेरियन रीनल एंड एड्रेनल, ये जॉइन करती है इंफीरियर वीना केवा को। ब्लड फ्रॉम द रिमेनिंग ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी पासेस थ्रू द लिवर वाया पोर्टल सर्कुलेशन बिफोर एंटरिंग द इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। अब जो रिमेनिंग ऑर्गन्स है एब्डोमिनल कैविटी के, ठीक है, वो कैसे उनका जो ब्लड है वो रिटर्न होता है इन्फीरियर वीना केवा को, वो पहले लीवर के थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन में एंटर करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पोर्टल सर्कुलेशन की। इन द पोर्टल सर्कुलेशन वीनस ब्लड पासेस फ्रॉम द कैपिलरी बेड्स ऑफ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम द स्प्लीन एंड द पैनक्रियास टू द लीवर, ठीक है। पोर्टल सर्कुलेशन इसमें क्या होता है, जो वीनस ब्लड होता है, ठीक है, वो स्प्लीन और पैनक्रियास से होता हुआ डायरेक्टली लीवर के पास जाता है और क्या होता है साथ में जो हिपैटिक साइनोसॉइड्स हैं, ठीक है, उनमें से भी जो ब्लड है पहले लीवर की तरफ जाएगा, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द जनरल सर्कुलेशन वाया इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन में ये कैसे एंटर करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है। जो ब्लड है विद हाई कंसेंट्रेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स गोज टू द लीवर फर्स्ट, ठीक है। जो भी हम खाना खाते हैं, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं एब्जॉर्ब हुए हुए स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स है, ये सबसे पहले ब्लड लीवर की तरफ लेके जाता है। इन लीवर सर्टेन मॉडिफिकेशन टेक्स प्लेस इंक्लूडिंग द रेगुलेशन ऑफ द ब्लड न्यूट्रिएंट लेवल्स, ठीक है। और लीवर में जब ये ब्लड पहुंचता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब ब्लड जब पहुंचता है तो उसमें मॉडिफिकेशंस की जाती हैं, ठीक है, ताकि रेगुलेट कर सके कि कौन से ब्लड न्यूट्रिएंट्स चाहिए जरूरी है, ठीक है, और कौन से नहीं। क्लियर, ये देखिए पोर्टल सर्कुलेशन का डायग्राम, ठीक, आप ऐसा पेपर में बना के आ सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट इज पोर्टल वेन। पोर्टल वेन क्या है, दिस इज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ सेवरल वेन्स ईच ऑफ विच ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द एरिया सप्लाइड बाय कॉरेस्पॉन्डिंग आर्टरी, ठीक है। अब ये जो पोर्टल वेन है, ठीक है, ये काफी सारी वेन्स हैं उनके यूनियन से बनी हुई है, ठीक है, जो कि ब्लड को ड्रेन करती है फ्रॉम अ पर्टिक्यूलर एरिया जहां पे पिछली आर्टरीज ने सप्लाई किया था, ठीक है। ये जो सारी आर्टरीज थी जिनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, ठीक, जहां पे उन्होंने सप्लाई किया है, ठीक है, एब्डोमिनल आर्टरीज ने, जो पेयर्ड एंड अनपेयर्ड ब्रांचेस हैं, ठीक है, इन्होंने जहां पे सप्लाई किया है, ठीक है, ये जो पोर्टल वेन है ये उन सब वेन्स का, ठीक है, यूनियन है, ठीक है। हम पढ़ेंगे कौन से वेन्स का यूनियन है। नंबर वन, द स्प्लेनिक वेन ड्रेन्स ब्लड फ्रॉम द स्प्लीन, ठीक है, अब स्प्लीन को स्प्लेनिक आर्टरी ने सप्लाई किया था, ये जो स्प्लेनिक वेन है यहाँ से ब्लड ड्रेन करवाएगी, ठीक है, पैनक्रियास एंड पार्ट ऑफ द स्टमक। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन कहाँ से वीनस रिटर्न लेगी, फ्रॉम द रेक्टम पेल्विक एंड द डिसेंडिंग कोलोन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, इट जॉइंस द स्प्लेनिक वेन, ठीक है, ये जो इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन है फिर ये स्प्लेनिक वेन को ज्वाइन कर लेती है। आगे क्या है, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, अब जो सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ने जिसको सप्लाई किया है वेन वहां से ब्लड रिटर्न लेगी, ठीक है, फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। आगे है द गैस्ट्रिक वेन्स, अब कहाँ से ब्लड को ड्रेन करती हैं, फ्रॉम द स्टमक एंड द डिस्टल एंड ऑफ द इसोफेगस, देन जॉइन द पोर्टल वेन, ठीक। सिस्टिक वेन कहाँ से लेती है वीनस ब्लड, फ्रॉम द गॉल ब्लैडर, जॉइंस द पोर्टल वेन, ठीक। आगे है द हिपैटिक वेन्स, दीज आर वेरी शॉर्ट वेन्स दैट लीव द पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द लीवर एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली एंटर द इन्फीरियर वीना केवा, ठीक है, ये लीवर से ब्लड वीनस ब्लड को लेते हुए डायरेक्टली ज्वाइन कर लेती हैं इन्फीरियर वीना केवा को, ठीक है, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक। अब हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन टू द पेल्विस एंड द लोअर लिम्स, ठीक है, कि पेल्विस और लोअर लिम्स में कैसे सर्कुलेशन होती है। स्टार्टिंग विद द आर्टीरियल सप्लाई, कौन करता है आर्टीरियल सप्लाई, ठीक है, हमने पढ़ा था कि जब ये जो एब्डोमिनल आयोटा है ये नीचे की तरफ जब जाता है तो ये कॉमन इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, राइट एंड लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज में, अब इसी के बारे में पढ़ेंगे हम। द राइट एंड द लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरीज आर फॉर्म व्हेन द एब्डोमिनल आयोटा डिवाइड्स एट द लेवल ऑफ फोर्थ लंबर वर्टिब्रा, राइट, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इन द फ्रंट ऑफ द सेक्रो इलियक जॉइंट, जहां पे हमारा सेक्रो इलियक जॉइंट है, ईच डिवाइड्स इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज, ठीक है। अब ये जो राइट एंड लेफ्ट वाली हैं, ये सेक्रो इलियक जॉइंट के पास आकर, ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाती हैं, राइट साइड वाली राइट साइड में और लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट साइड में जाके इंटरनल एंड एक्सटर्नल
इलियक आर्टरीज में डिवाइड हो जाएंगी. द इंटरनल इलियक आर्टरी रन्स मीडियली टू सप्लाई द ऑर्गन्स विद द पेल्विक कैविटी. ठीक है, अभी जो इंटरनल इलियक आर्टरी है ये मिडिल में रन करेगी टू सप्लाई द पेल्विक ऑर्गन्स. ठीक है, इन फीमेल वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांचेस इज द यूट्राइन आर्टरी विच प्रोवाइड्स द मेन आर्टीरियल ब्लड सप्लाई टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. ठीक है, फीमेल में जो यूट्राइन आर्टरी है वो सप्लाई करती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को. ठीक है, और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी कहाँ रन करेंगी, ऑब्लीकली तिरछी रन करेंगी, जबकि जो इंटरनल थी वो मीडियली रन कर रही थी और जो एक्सटर्नल है अभी ऑब्लीकली रन करेंगी डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द थाई वेयर इट बिकम्स द फिमोरल आर्टरी. डायग्राम में आप देख सकते हो. ठीक है, जो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी है फिमोरल आर्टरी बन जाती है थाई में जाके. द फिमोरल आर्टरी बिगिंस एट द मिड पॉइंट ऑफ द इनगाइनल लिगामेंट एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड्स इन द फ्रंट ऑफ द थाई. देन इट टर्न्स मीडियली एंड इवेंचुअली पासिस राउंड द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द फीमर टू एंटर द पॉपलिटियल स्पेस वेयर इट बिकम्स द पॉपलिटियल आर्टरी. ठीक है, अभी जो फिमोरल आर्टरी है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इनगाइनल लिगामेंट के मिड पॉइंट से स्टार्ट होती है और ये एक्सटेंड होती हुई डाउनवर्ड आती है. ठीक है, पहले थाई के फ्रंट से होते हुए फिर मिडिल में रन करती है. ठीक है, फिर इवेंचुअली ठीक है ये कहाँ से, जो फीमर का मिडिल पार्ट है ठीक है वहां से होती हुई ये एंटर कर जाती है पॉपलिटियल स्पेस में. ठीक है, पॉपलिटियल स्पेस में जाके आप डायग्राम में देखो नीचे घुटने की तरफ, ठीक है पॉपलिटियल स्पेस में जाती हुई ये पॉपलिटियल आर्टरी बन जाती है. क्लियर, आगे है इट सप्लाइज टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द थाई एंड सम सुपरफिशियल पेल्विक एंड इनगाइनल स्ट्रक्चर. ठीक है, अभी किस किस को सप्लाई करती है, थाई के स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है और सुपरफिशियल पेल्विक एंड इनगाइनल स्ट्रक्चर्स को ये सप्लाई करती है. क्लियर, द पॉपलिटियल आर्टरी पासिस थ्रू द पॉपलिटियल फोसा बिहाइंड द नी वेयर द पल्स कैन बी फेल्ट. ठीक है, अब अगर ये पॉपलिटियल आर्टरी आपको फील करनी है तो नी के बिहाइंड पे आप पॉपलिटियल फोसा वाली साइड पे आप हल्का से फिंगर्स प्लेस करोगे तो आपको पल्स फील होगी. राइट, इट सप्लाइज द स्ट्रक्चर इन दिस एरिया इंक्लूडिंग द नी जॉइंट. ठीक है, जो पॉपलिटियल आर्टरी है ये नी जॉइंट को भी सप्लाई करती है. एट द लोअर बॉर्डर ऑफ द पॉपलिटियल फोसा इट डिवाइड्स इनटू द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरीज. ठीक, डायग्राम में देखो ठीक क्या होगा कि अब नी जॉइंट से नीचे होते हुए अब ये एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीबियल आर्टरीज में डिवाइड होगी और जाके टीबिया को सप्लाई करेंगी. ठीक है, जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे. इट पासिस फॉरवर्ड बिटवीन द टीबिया एंड फिबुला एंड सप्लाई द स्ट्रक्चर इन द फ्रंट ऑफ द लेग. ठीक है, अब ये जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है ये टीबिया और फिबुला को पास करते हुए ठीक है सप्लाई करती है फ्रंट पोर्शन ऑफ द लेग. ठीक है, नाम इंडिकेट कर रहा है कि एंटीरियर है तो एंटीरियर पोर्शन ऑफ द लेग को ये सप्लाई करेगी. इट लाइज ऑन द टीबिया, रन्स इन द फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट एंड कंटिन्यूस ओवर द डॉर्सम यानी कि टॉप ऑफ द फुट एज द डॉर्सल पेडिस आर्टरी. ठीक है, ये जो एंटीरियर टीबियल आर्टरी है ये टीबिया के ऊपर होती है. ठीक है, और ये फ्रंट की तरफ जो एंकल जॉइंट है उसके फ्रंट की तरफ से होती हुई ठीक है जो डॉर्सम ऑफ द फुट है यानी जो टॉप ऑफ द फुट है वहां से जाकर ये डॉर्सल पेडिस आर्टरी. क्लियर, अभी जो डॉर्सल पेडिस आर्टरी है इट इज अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ द एंटीरियर टीबियल आर्टरी एंड पासिस ओवर द डॉर्सम ऑफ द फुट वेयर द पल्स कैन बी फेल्ट सप्लाइंग आर्टीरियल ब्लड टू द स्ट्रक्चर्स इन दिस एरिया. ठीक है, अब ये जो डॉर्सल पेडिस आर्टरी है ये किसकी कॉन्टिन्यूशन है, एंटीरियर टीबियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन है. ठीक है, जो डॉर्सम ऑफ द फुट के ऊपर से ये पास ऑन करती है और इसकी जो पल्स है हमें फील होती है. ठीक है, जो इसकी एरिया को सप्लाई कर रही होती है. ठीक, इट एंड्स बाय पासिंग बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकेंड मेटाटार्सल बोन्स इनटू द सोल ऑफ द फुट वेर इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू फॉर्म द प्लैंटर आर्च. ठीक है, अब ये क्या है, फर्स्ट और सेकेंड मेटाटार्सल बोन्स को क्रॉस करती हुई सोल ऑफ द फुट में ये आ जाती है और जाके ये प्लैंटर आर्च बनाती है. ठीक है, आप देख लो डायग्राम में. ठीक है, एंटीरियल टीबियल आर्टरी है, पोपलिटियल आर्टरी है. ठीक है, पोपलिटियल आर्टरी की कॉन्टिन्यूशन लगे पोस्टीरियल टीबियल आर्टरी बना रही है. ठीक है, एंटीरियर टीबियल आर्टरी फ्रंट की तरफ है, आप देख सकते हैं. ठीक, आगे देखो, द पोस्टीरियल टीबियल आर्टरी रन्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली ऑन द बैक ऑफ द लेग. ये नेम इंडिकेट कर रहा है पोस्टीरियर, मतलब अब जो लेग के पीछे की तरफ जाएगी दैट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी, जो बैक साइड ऑफ द लेग की तरफ रन करती है. इन द लोअर पार्ट इट बिकम्स सुपरफिशियल एंड पासिस मीडियल टू द एंकल जॉइंट टू रीच द सोल ऑफ द फुट वेयर इट कंटिन्यूस एज द प्लैंटर आर्टरी. ठीक है, अब लोअर पार्ट की तरफ जाते हुए ठीक है ये मिडिल में रन करेंगी एंकल जॉइंट के. ठीक है, जहां से ये फुट के सोल के अंदर पहुंचेंगी और वहां जाके प्लैंटर आर्टरी के नाम से कंटिन्यू करती हैं. ठीक है, द प्लैंटर आर्टरी सप्लाई स्ट्रक्चर इन द सोल ऑफ द फुट. ठीक है, अभी जो प्लैंटर आर्टरी है ये सोल के अंदर जो स्ट्रक्चर है फुट का उसको सप्लाई करती है. दिस आर्टरी इट्स ब्रांचेस एंड द डॉर्सल पेडस आर्टरी फॉर्म द प्लैंटर आर्च फ्रॉम विच द डिजिटल ब्रांचेस अराइज टू सप्लाई द टोस. ठीक है, अब ये जो आर्टरी है ठीक है इसकी जो ब्रांचेस है डॉर्सल पेडस आर्टरी के साथ मिलकर क्या फॉर्म करती हैं, प्लैंटर आर्च फॉर्म करती हैं. ठीक है, और प्लैंटर आर्च से क्या फॉर्म होगा, आगे डिजिटल ब्रांचेस होंगी, छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी जो आगे जाके टोस को सप्लाई करती हैं. क्लियर,
आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक, आगे है वीनस रिटर्न। अब वीनस रिटर्न कैसे होता है, देर आर फोर डीप एंड सुपरफिशियल वेन्स इन द लोअर लिम्ब। ठीक है, डीप वेन्स भी हैं और सुपरफिशियल वेन्स भी हैं। सुपरफिशियल वेन्स रिसीव लेस सपोर्ट फ्रॉम सराउंडिंग स्ट्रक्चर दैन डीप वेन्स। ठीक है, जो सुपरफिशियल वेन है उनको कम ही सपोर्ट मिलती है सराउंडिंग स्ट्रक्चर से डीप वेन्स के मुकाबले। क्लियर। अब डीप वेन्स कौन सी है, द डीप वेन्स अकंपनी द आर्टरीज एंड देयर ब्रांचेस एंड हैव सेम नेम्स। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ी थी डीप वेन्स की आर्टरीज, उन्हीं के नाम पे सेम वेन्स हैं। अब देखते हैं वन बाय वन। फिमोरल वेन, ठीक है, फिमोरल वेन का क्या काम है, विच असेंड्स इन द थाई। ठीक है, थाई की जो वेन है उसको फिमोरल वेन बोल रहे हैं, एट द लेवल ऑफ इनगाइनल लिगामेंट वेयर इट बिकम्स द एक्सटर्नल इलियक वेन। क्लियर। आगे एक्सटर्नल इलियक वेन कौन सी है, द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फिमोरल वेन वेयर इट एंटर्स द पेल्विस लाइन क्लोज टू द फिमोरल आर्टरी। ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल इलियक वेन है ये फिमोरल वेन की ही कॉन्टिन्यूशन है। ठीक है, जहां ये पेल्विस के अंदर एंटर करती हैं और फिमोरल आर्टरी के पास जो भी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वहां से वीनस सप्लाई को वापस लाती हैं। इट्स पासिस अलोंग द ब्रिम ऑफ द पेल्विस एंड एट द लेवल ऑफ द सेक्रो इलियक जॉइंट। इट इज जॉइंट बाय द इंटरनल इलियक वेन टू फॉर्म द कॉमन इलियक वेन। ठीक है, अब ये क्या करती हैं, ब्रिम जो है हमारे पेल्विस का, ठीक है, ये उसको सभी को पास करके, ठीक है, सेक्रो इलियक जॉइंट तक पहुंचती हैं और वहां जाके इंटरनल इलियक वेन के साथ ज्वाइन करती हैं। क्यों ज्वाइन करती है, टू फॉर्म कॉमन इलियक वेन। ठीक, अब बात करते हैं इंटरनल इलियक वेन की, विच रिसीव्स ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम सेवरल वेन्स ट्रेनिंग द ऑर्गन्स ऑफ द पेल्विक कैविटी टू कॉमन इलियक वेन्स विच बिगिन एट द लेवल ऑफ द सेक्रो इलियक जॉइंट। ठीक है, अभी जो इंटरनल वेन्स हैं, ठीक है, ये इंटरनल इलियक, ठीक है, अभी जो इंटरनल इलियक वेन है ये रिसीव करती हैं वीनस ब्लड, ठीक है, सेवरल वेन्स से, जो पेल्विक ऑर्गन्स की जो वेन्स हैं उनसे, ठीक है, इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, ट्रिब्यूटरीज फॉर्म हुई होती है, यानी कि उनका जो सारा ब्लड सप्लाई वो इंटरनल इलियक वेन में आ रहा होता है। ठीक है, आगे दे असेंड ऑब्लिकली, अब ये ऊपर की तरफ जाते हुए तिरछी होती हैं एंड एंड लिटिल टू द राइट ऑफ द बॉडी ऑफ द फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा बाय यूनाइटिंग टू फॉर्म द इंफीरियर वीना कैवा। फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा तक आते हुए ये यूनाइट कर जाती हैं वेन्स और फॉर्म करती हैं इंफीरियर वीना कैवा। ठीक है, ठीक है, अब पढ़ेंगे सुपरफिशियल वेन्स के बारे में। सुपरफिशियल वेन्स कौन सी होती हैं, द टू मेन सुपरफिशियल वेन्स ट्रेनिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब्स आर कॉल्ड द स्मॉल एंड द ग्रेट सेफनस वेन्स। ठीक है, अब जो सुपरफिशियल वेन्स हैं, ठीक है, लोअर लिम्ब्स की, उनको हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एंड ग्रेट सेफनस वेन्स। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है, द स्मॉल सेफनस वेन्स बिगिन्स बिहाइंड द एंकल जॉइंट एंड असेंड सुपरफिशियली अलोंग द बैक ऑफ द लेग एंड इन द पॉपलिटियल स्पेस जॉइंस द पॉपलिटियल वेन अ डीप वेन। ठीक है, अभी जो स्मॉल सेफनस वेन्स है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, एंकल के पीछे से, यानी एडी के पीछे से स्टार्ट होती है, ऊपर की तरफ आते हुए ये बैक साइड ऑफ द लेग को ज्वाइन करती है और वहां पे पॉपलिटियल स्पेस में जाके पॉपलिटियल वेन को ज्वाइन करती है। ठीक है, जो कि एक डीप वेन है। द ग्रेट सेफनस वेन इज द लॉन्गेस्ट वेन इन द बॉडी। अब डायग्राम में देखो, फिमोरल वेन से लेके नीचे तक है, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट सेफनस वेन। ठीक है, और ये लार्जेस्ट वेन है बॉडी की। ठीक, इट बिगिन एट द मिडल हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फूट एंड रन अपवर्ड्स क्रॉसिंग द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीबिया एंड अप द इनर साइड ऑफ द थाई। ठीक है, ये जो सेफनस ग्रेट वेन है ये कहाँ से स्टार्ट होती है, फ्रॉम द मीडियल हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द फूट। ठीक है, डॉर्सम ऑफ द फूट से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, और मीडियली ही रन करती है, टीबिया को भी क्रॉस करते हैं और ऊपर जाके इनर साइड ऑफ द थाई को सप्लाई करती है। ठीक है, जस्ट बिलो द इनगाइनल लिगामेंट इट जॉइंस द फिमोरल वेन। ठीक है, इनगाइनल लिगामेंट के नीचे ये फिमोरल वेन को ज्वाइन कर लेती है। मेनी कम्युनिकेटिंग वेन्स जॉइन द सुपरफिशियल वेन्स एंड द सुपरफिशियल एंड डीप वेन्स ऑफ द लोअर लिम्ब। ठीक है, अभी जो सारी कम्युनिकेटिंग वेन्स हैं, ठीक है, जाके ज्वाइन करती हैं सुपरफिशियल एंड डीप ऑफ द लोअर लिम्ब के साथ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच।